हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम दो डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या साइंस ऑलरेडी आ चुका है, उसके अलावा साइंस में तीनों सब्जेक्ट बिहार स्पेशल आ चुका है। इस वीडियो के बाद तो समझिए आपका मेजर चंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मानते हैं चार जो पोर्शन होता है, जिसमें बिहार साइंस हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स हमको करना नहीं है। करेंट अफेयर्स में लेकिन मैं ये बता चुका हूँ कि कौन से टॉपिक कैसे कैसे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री है, कौन कौन एंशियंट है और मेडाइवल है और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री ऑलमोस्ट 350 क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे कई कोर्सेस है, इस पर अभी हेवी डिस्काउंट चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। 25% है लड़के लोग के लिए और 50% है गर्ल्स के लिए फॉर रक्षाबंधन, 2 अगस्त तक ही चलने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, दो स्वदेशी एंड वायकॉट इनको अडॉप्ट किया गया मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कब इसको यूज किया गया? पहली बार यूज किया गया था 1905 में। 1905 में कब? बंगाल पार्टीशन के समय। बंगाल पार्टीशन का जो डिसीजन लिया गया था कब लिया गया था? 16 अक्टूबर को डिसीजन लिया गया था 1905 में। 1905 के सेशन में जो प्रेसिडेंट बने थे वो गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखना है कि ये मॉडरेट ग्रुप के लीडर थे, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने ही बोला था कि आज़ादी हमारा जन सत अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। उसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखना है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना, 1905 के अप्रॉक्स में ही। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल करेक्ट आंसर है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल से याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को फिर से रिवर्स किया गया 1911 में, किसके द्वारा? हार्डिंगे के द्वारा। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था वो किसके द्वारा किया था? करजन के द्वारा किया था, करजन के द्वारा, ये ध्यान रखना है कुछ कुछ स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1906 में हुआ था, फ्लैग ऑफ स्वराज किसके द्वारा अनफर्ल्ड किया गया था, फहराया किसके द्वारा गया था? तो हम लोग आराम से गेस करते हैं, वही फहराते होंगे ना जो इस सेशन के प्रेसिडेंट रहते होंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1906 वाला, इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। ग्रैंड ओल्ड वुमेन आपसे पूछा था ना, वो ओल्ड वुमेन, तो आप लगाना किन के बारे में? अरुणा अशरफ अली, अरुणा अशरफ अली, क्लियर, ये याद रख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किताब इन्होंने लिखी थी 1901 में। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात और कौन करते थे? आरसी दत्त करते थे, आरसी दत्त। इन्होंने एक किताब लिखी थी इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया टाइप करके नाम था किताब का नाम। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमने याद कर ही लिया है, मॉडरेट्स के लीडर थे। एओ ह्यूम, ये इनको बोला था फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये इन्फॉर्मेशन इनके बारे में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम स्ट्रगल के समय पैरेलल मूवमेंट चलाया गया था इंडियन स्टेट में, कश्मीर निजाम के द्वारा और त्रावणकोर के द्वारा, इसको प्रजामंडल मूवमेंट बोलते हैं, प्रजामंडल मूवमेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट, ये नॉट ध्यान रखना है, ये इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिस पे नॉट लिखा हो। पहला स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1921। खुद सोचो गांधी जी इस समय कौन सा मूवमेंट कर रहे थे, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इससे पहले गांधी जी 3 मूवमेंट और कर चुके थे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी कर रहे थे, तो उस समय 21 में अरेस्ट होने का सवाल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड कब हुआ? असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद हुआ। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? ये गोरखपुर यूपी में हुआ था, जब पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था। तो ये अभी तो अरेस्ट होने का सवाल ही नहीं था, गांधी जी अरेस्ट हुए 1922 के मार्च में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। पहली बार गांधी जी ने स्पीच दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1906 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किन्होंने बनाया था? मदन मोहन मालवीय। याद रखिए 1906 में जो सेशन हुआ था, 1916 में जो सेशन हुआ था वो कौन सा सेशन हुआ था? लखनऊ। लखनऊ में ही क्या साइन हुआ? लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों को याद क्या रखना है, अलग कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब लखनऊ में मर्जर हुआ। देखो लखनऊ में चार चीज़ हुआ, एक तो लखनऊ मर्जर जब भी मैं बोलता हूँ ना तो इसका मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोनों ग्रुप मिल गए, बट लखनऊ पैक्ट जब बोलता हूँ ना तो इसका मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग इस समय मिले ना, तो उस समय उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनवा लिया था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ेंगे नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम आया कब था, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं या मोरले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट एक आया था। 1909 के एक्ट में एक और चीज़ आया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को बनाया गया था पहली बार फर्स्ट इंडियन, जो इंडियन एग्जीक्यूटिव, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ना उसके मेंबर बने थे, ठीक है। और हिमालयन ब्लंडर बोला था गांधी जी, गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर बोला था चौरी चौरा। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है कि गांधी जी से दो तीन दिन इम्पॉर्टेंट है। 1915 में यहाँ आए, 1869 में जन्म हुआ और 1948 में शहीद हो गए। तो तीन दिन इम्पॉर्टेंट हो गया। तो 1869 में जो जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। उसके अलावा 1915 में जो आए थे उस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। उसके अलावा 30 दिसंबर को मनाया जाता है शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन है अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, इनके नाम पर ही एजुकेशन डे मनाया जाता है, याद रखना है। और अबुल कलाम आज़ाद जब 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे तो सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे, और जब 1940 से 45 तक रहे थे सबसे लंबे टेन्योर तक प्रेसिडेंट रहे थे। ये दो तीन चीज़ याद रखना है। और याद रखना है 1940 में सेशन हुआ था ना, रामगढ़ में हुआ था। और इनकी किताब का नाम, यानी इनका जर्नल था, उसका नाम था अल हिलाल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे इस जर्नल में। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, इनको भारत रत्न भी मिला है। अगला है राष्ट्रीयता फैलाने के लिए, राष्ट्रीयता फैलाना, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री कैसे फिल्म लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को लाएगी। चलिए करते हैं, देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। बाई अर्गिंग पीपल टू स्ट्रगल, मतलब लोगों के स्ट्रगल के बारे में बताना कि आपकी मिजरेबल, आपकी जो ख़राब कंडीशन है उसका मेन कारण ब्रिटिश रूल है। और फिर से हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना, हिस्ट्री को फिर से पढ़ना और बताना कि ब्रिटिश कितना गलत है, ब्रिटिश ने हमें बैकवर्ड बोला है, प्रिमिटिव बोला है, और हमें बोला है कि हम अपने आप से राज कर ही नहीं सकते, और हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताना। तो तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी चार ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ओनली द अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन दिस मूवमेंट, सिर्फ अमीर और जो अपर कास्ट थे वो पार्ट ले रहे थे, नहीं। गांधी जी ने तो बोला था भाई मास मूवमेंट है, सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये पहला गलत है। तो यानी ये स्टेटमेंट में आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि आप गलत को ढूंढो, तो ये तो आंसर में होगा, तो ये आंसर सीधा गायब। अब क्या क्वेश्चन है, अब देखते वन तो करेक्ट है, वन दोनों में, आप टू या थ्री देखते हैं। अब देखो हमें क्या लग रहा है, देखो अगर मान लो ये क्वेश्चन हमको नहीं आता, जस्टिस पार्टी बिल्कुल नहीं आता, एग्जाम में नहीं याद रहेगा, लेकिन ये तो हमें लग रहा है सही है, थ्री स्टेट में तो आपको सीधा सीधा सही रहा है, तो थ्री आंसर में होगा ही नहीं, तो यानी वन एंड टू होगा। और इवन देखो जस्टिस पार्टी वायकॉट नहीं की थी, क्योंकि जस्टिस पार्टी को थोड़ा सा गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू ब्राह्मीनिज्म वाला लगता था, इसलिए वो नहीं करते थे। और ये इनके पार्टी जो जस्टिस पार्टी है ना, उसको नाम है साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, ये मद्रास प्रेसिडेंसी की पॉलिटिकल पार्टी थी। चलिए अब एक सन्यासी के बारे में, जो इंडेंजर लेबरर बन के आए थे फिजी से, बाद में वो तुलसीदास जी की रामायण को लोगों में रिसाइट करते थे, लोगों को सुनाते थे, ये बाबा रामचंद्र जी की स्टोरी है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ। 1932 में हरिजन संघ बनाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी की और भी है, यंग इंडिया, उसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ना न्यू इंडिया,
न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये किनकी किनका ग्रुप है? एनी जी का, एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट याद रखना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। पहली इंडियन वुमेन पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, यंग इंडिया याद रखे। अब महात्मा गांधी से रिलेटेड, 3 दिन हम लोग को पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये 1932 इम्पॉर्टेंट क्यों है दिन? 1932 इसलिए इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि कम्युनल अवार्ड आया गया था, उसके बाद पूना पैक्ट साइन किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। पूना पैक्ट में क्या था कि पूना पैक्ट में था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो फ्रीडम स्ट्रगल में महात्मा गांधी जी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। और नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे 5 बार, बट नोबेल प्राइज़ इनको नहीं मिला, याद रखिए। और तीन दिन इनके लाइफ से इम्पॉर्टेंट है वो तो याद ही है। बुक तो हमने देख लिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपन। अब हरिजन तो हमने देख लिया, हरिजन न्यूज़पेपर भी लिखा जाता है, हरिजन। उसके बाद है नवजीवन, उसके बाद है यंग इंडिया, तो हमने देख लिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। अब अगला है जगजीवन, बाबू जगजीवन, बाबू इनको बोला जाता था, याद रखिए। और इनके बारे में ऐसा बोला जाता था कि ये सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने थे जब 1946 वाले में चुना गया था इनको, ठीक है। 1946 वाले में इनको एज ए कैबिनेट मिनिस्टर चुना गया था। कौन से पद पे थे ये? एज ए लेबर मिनिस्टर थे, बी आर अम्बेडकर, और एज ए लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में हमें बहुत कुछ आता है, याद है, फिर भी हम देख लेते क्योंकि इन पर क्वेश्चन आ ही जाता है भाई, एक क्वेश्चन मान के चलो इन पे क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो पिछले बार क्वेश्चन आया था कि ये बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर छापते थे, मतलब लिखते, एडिटर थे। महर सत्य, एक सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है महर सत्याग्रह, उस सत्याग्रह से लिंक्ड है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लिए इन्होंने, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसके अलावा याद रखना है पूना पैक्ट में गांधी जी के साथ साइन किया, इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोला जाता है। तो ये सारे चीज़ इनसे रिलेटेड है। उसके अलावा मैं इनकी कुछ किताबें आपको बताता हूँ, लिख लेना, पहले मैं आपको लिखाई दे रहा हूँ, बोल के बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले एक किताब का नाम है, किताब से पहले याद रखना, एक कुछ ग्रुप बनाते थे ना, ग्रुप या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बहिष्कृत हितकरणी सभा, एक तो हमने बता दिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। उसके बाद कुछ जर्नल लिखा करते थे, जर्नल में था मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। बुक्स है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई दे आर बिकम अनटचेबल, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ये सब इनकी किताब का नाम था। प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजन को इंडिया से विड्रॉ कब हो जाएगा? जून 1948 से पहले। बट फिर जून 3 प्लान आता है और उसमें डिसाइड होता है कि 14 और 15 अगस्त को ही भारत से वो बाहर हो जाएगा। याद रखना जो एक प्लान आया था रेडक्लिफ प्लान, जो बंटवारा का, वो 17 अगस्त को आया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन? आयरन एज, देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है स्टोन एज, उसके बाद ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आयरन एज। आयरन, देखो ब्रॉन्ज एज आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, आयरन एज उसके बाद आया था, इवन वैदिक पीरियड में आया था। तो वैदिक पीरियड अगर मान ले आज से 1500 साल पहले और इधर 2000 ले ले, तो आज से लगभग 3500-4000 साल पहले हो जाएगा ना, तो ये इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, ये एक्चुअली जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, जूनागढ़ में। यहाँ पे बोला कि सुदर्शन लेक, जो कि काठियावाड़ रीजन में था, इस सुदर्शन लेक को रिपेयर किसने कराया था? रुद्रदामन ने करवाया था, शका रूलर था, शका, ठीक है ना, याद रखना है, रुद्रदामन वन ने कराया था, कोई दिक्कत नहीं, शका रूलर था काठियावाड़ रीजन में, और ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गया था हिंदू और वुमेन से शादी करके। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एक टेम्पल है देवघर के पास,
ठीक है, टेम्पल ऑफ देवघर, और इसके पास और भी चीज़ें मिली है, स्कल्पचर इन द टेम्पल ऑफ गरवा नियर अलाहाबाद। ये इम्पोर्टेंट रिमेन्स किसका है? गुप्ता एरा का, ठीक है ना, गुप्ता एरा। द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गरवा। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये देवघर, सबसे पहले गुप्ता, जब भी हम गुप्ता के बारे में बोलते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल गोल्डन पीरियड था आर्ट का, गोल्डन पीरियड था, ठीक है। और जो देवघर के पास मिला झांसी, यहाँ पे जो टेम्पल मिला है ना, वो दशावतार टेम्पल है, दशावतार टेम्पल। और ये इलाहाबाद में भी मिला है, ये भी टेम्पल है। गरवा फोर्ट है यहाँ पे, गरवा फोर्ट, ये तो आपने देखी लिखा ही हुआ है गरवा फोर्ट। तो ये दोनों गुप्ता एरा का पेंटिंग है, गुप्ता एरा का आर्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कई सारे बैटल दिए, आपको बताना इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है ना। देखो मेजर बैटल पे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बताना इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। सबसे पहले देखिए, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, हम सबको बताया कि ये लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, करेक्ट है, ये सही है। बट उसके बाद तीन बैटल ऑफ पानीपत आप लोग को याद रखना है। पहला बैटल ऑफ पानीपत जब बाबर आया था 1526 और इब्राहिम लोदी जो उस समय राज कर रहा था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हेमू एक्चुअली अफगान रूलर का जनरल ही मान सकते हो, वर्सेस अकबर। लेकिन अकबर की तरफ से लड़ाई कौन कर रहा था पता है? बैरम खान, खुद थोड़ी करेगा, बच्चा था ना बैरम खान। तो यही गलत स्टेटमेंट है। तो तीन क्या होगा आंसर होगा? देखिए एकता के हेड को सबसे बड़ा होता था, एकता के हेड को बोलते थे मुक्ति और वालिस। एकता के अंदर होता सिख के हेड को बोलते थे सिखदार। उसके नीचे होता था परगना के हेड को बोलते थे अमिल। समझ रहे ना, एकता के अंदर बहुत सारे सिख के अंदर बहुत सारे परगना के हेड को बोलते अमिल। विलेज के हेड को बोलते थे चौधरी और मुकद्दम, और अकाउंटेंट को बोलते थे पटवारी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तवाकत ए अकबरी हैज बिन सम टाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा। इससे देखो, एक तो क्वेश्चन में आपको आंसर है वो याद रखना है, अकबरनामा किन्होंने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। तवाकत ए अकबरी ये किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी उनका नाम था। इन्होंने किताब लिखी तवाकत अकबरी। इनको एक्चुअली अकबर के समय में क्या अपॉइंट किया गया था? मीर बख्शी, ये भी याद रखना है। क्या मीर बख्शी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था, मीर बख्शी। उसके अलावा हमें याद रखना कुछ और लोगों की किताब याद रखना, एक थे पाद शाह नामा, ये किताब है अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, अकबरनामा अबुल फजल। गुलवदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा गुलवदन बेगम, यानी रखना है गुलवदन बेगम हुमायूं नामा। तो ये सारे कुछ किताबें हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई साउथ इंडिया में विजयनगर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप कृष्णदेवराय आंसर होगा, लगा दो। फाउंडर के बारे में नहीं पूछ रहा है, फाउंडर डायनेस्टी के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो लगा दो। लड़ाई किससे हुआ जब ताली कोटा वाला लड़ाई, ये तो तीन चार इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इसके बाद सीधे में आप लगाओ कृष्णदेवराय, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फेमस रूलर्स फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप जिसका नाम रखा गया था नगलापुरम। नगलापुरम इनके मम्मी के नाम पे इन्होंने रखा था। उसके अलावा इनकी किताब भी बहुत फेमस है जिसका नाम है अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद किताब का नाम है, और एक नगलापुरम इनके शहर का नाम हो गया, टाउनशिप का नाम हो गया। अब एक चीज़ और याद रखिए, हरिहर बुक्का ने बनाया था विजयनगर को अपना गुरु के नाम पर, हरिहर और बुक्का ये फाउंडर थे, पहले राजा ये थे, सेकेंड राजा ये थे। कृष्णदेवराय और डायनेस्टी है, पहला डायनेस्टी है शंगमा, फिर शुलुवा, थर्ड डायनेस्टी है तुलुवा। और जब लड़ाई हुई थी ना एक ताली कोटा की लड़ाई, तो ये भी कौन सी डायनेस्टी में हुई थी? तुलुवा डायनेस्टी में हुई थी, याद रखिए। इन्होंने वीरूपक्षा टेम्पल बनाया था, क्या बनाया था? उसके अलावा क्या कौन सा टेम्पल बनाया था? वीरूपक्ष टेम्पल बनाया था। दो घूमने वाले इन्हीं के समय में आए थे, एक आया था डोमिंगो पेश, और एक आता है फर्नो नूनिज, ठीक है, ये कुछ याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द टू बाउंड्री कमीशन सेट अप टू डेलिनेट द इंटरनेशनल फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये रेडक्लिफ को दिया गया था, ये बाउंड्री कमीशन के हेड थे। इनको भारत को तीन टुकड़े में तोड़ना था,
कैसे कैसे, एक तो इंडिया, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान बिल्कुल अलग था ना, अब तो अलग ही, अब तो सच में अलग हो गया, ठीक है ना, तो याद रखना। और इन्होंने जब जो भी इन्फॉर्मेशन था उसको पब्लिक कब किया, 17 अगस्त को किया पब्लिक, याद रखना। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सिस्टम इन बंगाल, हु इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ महलवारी सिस्टम इन बंगाल। तीन सिस्टम हम लोग को याद है, सबसे पहले जो सिस्टम आया था उसका नाम था परमानेंट सिस्टम, यानी जमींदारी। किसने लाया था याद रखना, कॉर्नवॉलिस ने लाया था इन 1793। जमींदार बीच में रहता था और पीजेंट देता था जमींदार को, जमींदारी जमींदार 1/11 खुद रखता था और 10/11 ब्रिटिश को देता था। ये पार्ट ये किस एरिया में इम्पॉर्टेंट था, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी वगैरह एरिया में। सेकेंड जो सिस्टम आया था वो आया था रैयतवारी सिस्टम, ठीक है ना, रैयतवारी सिस्टम आया। देखो रैयतवारी सिस्टम वैसे आ गया था 18वीं सदी के आसपास ही, मतलब एंड में, मतलब 1800 के आसपास, बट इसको इम्प्लीमेंट पहली बार किया गया था कहाँ पे, मद्रास में किया गया, याद रखना, मद्रास में रैयतवारी। ये कौन लाया था, रीड, किसने बनाया था, रीड प्लस मुनरो ने बनाया था, मुनरो, ठीक है। अब एक और है, महलवारी जो सिस्टम था ना वो हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था, महलवारी सिस्टम, किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने। और ये शुरुआत में कहाँ अप्लाई किया गया, नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, अभी वाला जो यूपी है ना वो पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये हॉल्ट मैकेंजी, तीनों याद आ गया, कॉर्नवॉलिस, मुनरो एंड मीड रीड, मुनरो एंड रीड, हॉल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन क्या है, 1940 में विनोबा भावे जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, कहाँ से, ये महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था, पवनर, ठीक है, जगह इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड नंबर पे है ब्रह्मदत्त। अगर बिहार की बात करें तो पहले श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने मूवमेंट जो इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट बोली थी उसका नाम है दिल्ली चलो मूवमेंट, इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोलते हैं। चलो दिल्ली वो रिलेटेड है इंडियन आर्मी से, जब सुभाष चंद्र बोस जी का जो मूवमेंट था, ये है दिल्ली चलो, वो है चलो दिल्ली। द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मोंटेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स इन 1918 व्हिच लेड टू ब्रेकअप द ओल्ड रेमिनेंट्स, जैसे ये अलग चले गए थे जो मॉडरेट्स थे, जैसे सप्रू, जायकर, चिंतामणि, और इन्होंने क्या बनाया, ये आप गेस कर सकते थे आराम से, क्योंकि आप खुद सोचो, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हमने रट रट के मार गए कि हम लोग किसके, किन्होंने बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले, और स्वराज पार्टी भी हमें पता है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, तो एक ही बचा ना, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्योंकि ये जो ओल्ड लोग थे ना मॉडरेट्स, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि अब इनकी बात ज़्यादा उतना सुना नहीं जाता था, ठीक है, तो इन्होंने अलग होने का फायदा किया। नाम क्या रखा पार्टी का, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कैबिनेट मिशन के बारे में बताया जाता है, कौन सा स्टेटमेंट कैबिनेट मिशन के बारे में करेक्ट है, चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, कैबिनेट मिशन आया कब था, 1946 में आया था, ये ध्यान रखना। तीन मेन लोग इंपॉर्टेंट थे, पैथरिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। क्या था, पैथरिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर का नाम इटली था, ये भी याद रखना। मेन इसका पावर क्या था कि भाई ब्रिटेन से कैसे इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करे, और साथ ही एक एग्रीमेंट साइन कर ले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइप का कुछ बना दे, ठीक है। और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना था कि भारत अपने आप को अब संभाल ले, भाई हम जाने वाले हैं तो भारत एकाएक छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए टेम्पररी गवर्नमेंट बनाने की बात की थी, ठीक है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, टू एस्टैब्लिश ए नेशनल गवर्नमेंट, नहीं ऐसी कुछ बात ही नहीं की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर करते, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्ना, नहीं वो बात ही नहीं मान रहे, सीधा रिजेक्ट कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली को तीन सेक्शन में बांटा था, थ्री टीयर गवर्नमेंट की बात की थी, ये सब बातें हैं। तो सिर्फ और सिर्फ टू आंसर है करेक्ट।
अब देखो 67 का री जो एग्जाम हुआ था ना वो वाला हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं 38 सितंबर। हु इस्टाब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। देखो रोमन एम्पायर के साथ चेरा भी किया था, कुशान ने किया था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर कुशान माना था, तो हमें कुशान लेके चलना है। तो ये कुशान की बात करें तो थोड़ा बहुत इनके बारे में पता चलना चाहिए। इनकी दो कैपिटल थी, एक थी पेशावर जिसको पुरुषापुर भी बोलते थे, और एक थी मथुरा जो कि हमारा नॉर्दर्न इंडिया में था। और कुशान डायनेस्टी का फाउंडर किस फाउंडेशन किसने किया था, कुजुला कटफिशस ने किया था, यानी कटफिशस वन ने किया था। कुशान को बारे में, कुशान के बारे में बोला जाता है कि जो एक यूजी ट्राइब ही यूजही ट्राइब थी, उस पांच यूजही ट्राइब का पांच ब्रांच था, उसमें से एक पार्ट इसका था। और कुशान के बारे में बोला जाता है कुशान जो, और कुशान का सबसे इंपॉर्टेंट किंग था कनिष्क, और कनिष्क का जो फादर था वो था भीमा कटफिशस, तो भीमा का बेटा था कुशान। कुशान ने कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया था, जिसमें बुद्धिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था, हिनायन और महायन, हिनायन और महायन। अब बात कर लेते थोड़ा, अब चेरा की बात कर लेते। चेरा हम लोग को पता है सदर्न इंडिया का रूलर था, जिसमें हम चेरा चोला पांड्य नहीं बोलते, संगम लिटरेचर के तीन जो मेजर किंगडम था चेरा चोला पांड्य उसकी बात करते। ये भी कोशिश करते थे कि हम ट्रेड करें रोमन्स के साथ। याद रखिए चेरा का जो एम्बलम है ना वो क्या है, तीर और धनुष, वो एन एरो है, याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए द मुस्लिम हुज एम्पायर वॉज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दर उल इस्लाम। देखो मुस्लिम दो वर्ड को बार बार बोलते थे, एक दर उल इस्लाम, इसका मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे मुस्लिम बिलीवर लोग रहते हैं, और एक होता है दल उल हरब, हरब ये वो एरिया है जहाँ पे मुस्लिम बिलीवर नॉन बिलीवर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने की, किसी इल्तुतमिस ने। इल्तुतमिस को गुलामों का गुलाम बोला जाता, क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों क्या था, इल्तुतमिस था। इल्तुतमिस की ही बेटी थी रजिया, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक है ना। बलबन से याद रखना है, बलबन से क्या था, ये फर्स्ट वुमेन क्वीन थी दिल्ली सल्तनत की, सुल्तान थी ऐसे बोल सकते हैं। बलबन के बारे में ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, सजदा एंड पवोस सिस्टम उसने लाया था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसने पावर ऑफ खलीफा को अपोज किया था। देखो इसका करेक्ट आंसर है, शुरुआत में बीपीएससी ने दिया था ए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और बाद में अपडेटेड आंसर में दे दिया था नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम थोड़ा बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने अपने आप को टाइटल क्या दिया था, सिकंदरे शानी, सिकंदरे शानी। ब्लड जो बलबन का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था इसने भी अपनाया। उसके बाद दाग एंड चेहरा सिस्टम था, चेहरा एंड दाग सिस्टम जो था उसको अपनाया। कई फोर्ट बनाए जिसका नाम था सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट, हौज ए खास, हौज ए खास, अलाई दरवाज़ा इन्होंने बनवाया। उसके अलावा कई चीज़ों उन्होंने और की, इन्होंने सोचा कि खलीफा से रिकग्निशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने स्टेट अफेयर्स में खलीफा का नाम भी नहीं रखते हैं, ये सब इन्होंने किया। ये जो लाउद्दीन जो खिलजी था ना उसका भतीजा और दामाद दोनों था। अगला क्वेश्चन क्या था, तुगरिल खान के बारे में रिलेटेड है। तुगरिल खान क्या क्वेश्चन है, तुगरिल खान रेज ए स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन। ये बलबन के समय में इन्होंने रिवोल्ट किया, बलबन के समय में, बलबन से रिलेटेड बहुत याद रखना है। और ये तुगरिल खान कहाँ का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का, ये हमें याद रखना है, बंगाल का, ठीक है। और बलबन ने अपने फोर्सेस को भेज के इसको गर्दन छुपा दिया, और उसके बाद बलबन ने अपने बेटे जिसका नाम था बुगरा खान उसको बंगाल का गवर्नर बना, बुगरा खान, ये ध्यान रखना है। हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, ये था औरंगजेब, और औरंगजेब ने जो लड़ाई लड़ी थी उसका नाम है चाइल्ड्स वॉर, 1689 में लड़ाई लड़ी थी, ये हम लोग को ध्यान रखना, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विलियम बेंटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना कौन कौन से रिफॉर्म इसमें से विलियम बेंटिक ने लाया था। विलियम बेंटिक को भारत का ऐसा लिबरल, हम बोल सकते हैं लिबरल गवर्नर जनरल जिसके बारे में बोला जाता है। क्यों लिबरल, सबसे पहले तो समझ लीजिए ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था,
ठीक है ना, किस एक्ट में बनाया गया था, ये पोस्ट आया कब था, ये पोस्ट आया था 1833 के चार्टर एक्ट में। इसी एक्ट में पता है, इसी एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए ट्रेडिंग वाला ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है, अब ये ट्रेडिंग वाला नहीं है इंस्टीट्यूशन। सती को एबोलिश इन्होंने कराया था राजा राम मोहन राय जी के दबाव के कारण। एक चीज़ और इन्होंने किया था, एजुकेशन को इंग्लिश में किया था, ठीक है ना, और ये किस कमिटी के बाद, मैकुले कमिटी के बाद, मैकुले कमिटी के बोलने के बाद। स्लेवरी को इसने, स्लेवरी को एक्चुअली हटाया गया था, एलेन बोरोह ने हटाया था, एलेन बोरोह ने, तो दो स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ रखते हैं, डी ऑप्शन है 1 और 4। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं, रिमूवल ऑफ डिजेबिलिटी एंड द टू द चेंज ऑफ रिलीजन, ये किसके समय किया गया था, डल हाउजी के समय में आता, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ठगी को इन्होंने हटाया था, एक स्लीमैन थे, स्लीमैन की अध्यक्षता में स्लीमैन को नियुक्त किया गया था और उसने ठगी को हटाया। और भी चीज़ किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्चुअली वो री वाला ही था, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन पहले आ गया था, यहाँ पे गलती से दिया गया, यहाँ से री वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 67 री वाला, ये सब 67 का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, सिंध वॉज कंकर्ड एंड एनेक्स बाय, नेपियर ने किया था सिंध को, ठीक है, नेपियर ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर था और उसने एक वॉर लड़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है, पेनिनसुलर वॉर, पेनिनसुलर वॉर किसके अगेंस्ट, नेपोलियन बोनापार्टे के अगेंस्ट, पेनिनसुलर वॉर, ठीक है। और ये सिंध पे जब अटैक किया था ना, तो बॉम्बे आर्मी को लेट करा था, किसको, बॉम्बे आर्मी को लेट करा था, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट सेंसस इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1872 में, ठीक है, 1872 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और लॉर्ड मायो उस समय कौन थे, वायसराय, लॉर्ड मायो, याद रखना मायो को पठान्स लोगों ने असासिनेट किया था इन अंडमान। लेकिन पहला फुल फ्लेज सेंसस कब से हुआ, 1881 में, ये इस समय कौन थे, रिपन थे, रिपन से याद रखना है, एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी इन्हीं के समय हुआ था, और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्हीं को बोला जाता है, बट 1949 से ये करने लगे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये सब करने लगे, और वो थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ आपको स्टैटिस्टिक्स वगैरह लगे ये नहीं है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ध्यान रखना है आपको। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को हैंग किया गया था, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, शहीद दिवस इस दिन मनाया जाता है 23 मार्च 1931 को, किस लिए, लाहौर कॉन्स्पेरेसी केस में। लाहौर कॉन्स्पेरेसी क्या, ये आप इसको सॉन्डर्स मर्डर केस बोल सकते हैं, भाई सॉन्डर्स क्यों, क्या सॉन्डर्स को मारना चाहते थे स्कॉट को, स्कॉट कौन था, जिन्होंने लाला लाजपत राय जी पे लाठीचार्ज करवाने का ऑर्डर किया दिया था, लेकिन मर गया गलती से सॉन्डर्स, लाहौर कॉन्स्पेरेसी केस इसको बोलते हैं। और भगत सिंह ने तो असेंबली में बॉम्ब भी गिराया था, याद रखिए भगत सिंह और आप बटुकेश्वर दत्त जी, ठीक है, और लाहौर कॉन्स्पेरेसी केस याद रखना है, और तीनों को 23 मार्च 1931 को हैंग किया गया था शाम के समय। थर्ड सत्याग्रही ये थे ब्रह्मदत्त, काफी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मेजॉरिटी बुक में आपको सेकंड के बाद देता ही नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय सीक्रेट रेडियो कौन चलाते थे, सीक्रेट रेडियो उषा मेहता जी चलाते थे, उषा मेहता, क्योंकि देखो खुद समझो, उषा मेहता के असिस्ट करने वाले थे राम मनोहर लोहिया, बहुत ही फेमस पेंशन, बिहार में जो स्वच्छता आंदोलन चल रहा है उसमें मेन जो नाम दिया जाता है वो राम मनोहर लोहिया के नाम दिया जाता है, ठीक है ना। और भी लोग थे, मिस उषा मेहता, विट्ठल दास जावेरी, चंद्रकांत बाबू जावेरी, ये सब चलाते थे सीक्रेट रेडियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग अ एल्डर ब्रदर। देखो ये चंद्रगुप्त टू ने किया था अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर और खुद राजा बना था,
ठीक है, उसको डिथ्रोन कर दिया गया था। ऐसा बोला था कि किसी ने राम गुप्ता को हरा दिया था, मतलब उसकी वाइफ को ले गया था, ये कुछ स्टोरी है, ये दिया भी हो गया हुआ है बुक में, ठीक है, तो ये हमें जानना ही नहीं है, बट राम गुप्ता याद रखना, क्योंकि चंद्रगुप्त टू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन, ठीक है ना, वो समुद्रगुप्त के बेटे थे, समुद्रगुप्त वही है जिनको क्या बोला जाता है, समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त ने खुद अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और समुद्रगुप्त के समय जो उनके पोएट थे उनका नाम था हरिसेन, याद रखना क्या है, हरिसेन। और चंद्रगुप्त टू ने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगा लिया था। गुप्ता एम्पायर बोला जाता है कि अपने सबसे टॉप पोजीशन पे जब पहुंचा था वो चंद्रगुप्त टू के समय ही पूछा था, और जो फाहियान जो आए थे फाहियान वो चंद्रगुप्त टू के समय ही आए थे। समुद्रगुप्त के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है, ये हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वरदान डायनेस्टी, देखो पुष्यभूति ने फाउंडेशन रखा था, बट जो प्रभाकर वरदान उनको बोला था कि पहला नोटेबल किंग, पहले नोटेबल किंग। हु सक्सेसफुली लेड द बरदोली सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है, इवन एक खेरा सत्याग्रह में भी गांधी जी का सपोर्ट किया था, बरदोली सत्याग्रह के बाद ही इनका नाम, वुमेन ने इनके साथ क्या जोड़ दिया, वुमेन याद रखना, वुमेन, ठीक है ना, ये लैंड रेवेन्यू के इनकी रिड्यूस होने की बात करते थे, ये सब बात करते थे, बरदोली सत्याग्रह गुजरात में है बरदोली, और ये है वल्लभ भाई पटेल, सरदार इनके बाद ही जुड़ा था, वहाँ की वुमेन ने इनको सरदार बोलना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसलिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि रामसे मैकडोनाल्ड ये कम्युनल अवार्ड के समय की बात करें 1932, तीन मेंबर इसमें कौन थे, यही तीनों मेंबर थे, मैं बता चुका हूँ। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में हुआ, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में हुआ। मेन मकसद क्या था, क्योंकि गांधी जी अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे, इरविन चाहता था कि ये मूवमेंट रुक जाए और गांधी जी पार्टिसिपेट करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी तैयार नहीं थे, फिर गांधी जी तैयार हुए, तो गांधी जी पार्टिसिपेट किए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने गए थे, और गांधी जी क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खुद सिर्फ दो एक ही कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, सिर्फ सेकंड वाले में, 1 और 3 में नहीं, 1931 में गांधी और इरविन के साथ, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हुई, जैसे गांधी जी को बोले कि आप सेकेंड राउंड टेबल पर वो हो जाइए, शामिल हो जाइए, और CDM बंद करिए, हम सभी ऑर्डिनेंस को हटा लेंगे जो कांग्रेस को कर्व कर रहा था, और सभी लोगों को छोड़ देंगे जो वायलेंस मीन्स में अरेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर है। इन व्हिच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्ट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन, ये किस सेशन में बोला था, देखो 1929 में एक सेशन था जिसका नाम है लाहौर सेशन, कहाँ पे हुआ था, रवि रिवर के किनारे हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, और इन्होंने साथ में ये बोला कि अगले साल से हम 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या बनाएंगे, अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, तो इसीलिए 26 जनवरी इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि हमने अपना रिपब्लिक डे इस दिन मनाना शुरू किया, भले ही हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, फिर भी हम डिले किए 2 महीना, ठीक है। तो इससे आपको ये भी याद हो गया कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते, 15 अगस्त पता है क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को जापान ने ट्रीटी साइन की और वो मतलब हार मान गया, ऐसा बोल सकते हैं इंग्लैंड के सामने, आफ्टर 6 और 9 अगस्त को क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने रिनेम किया था निकोबार आइलैंड को, हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापानीज ने अंडमान और निकोबार आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद वहाँ पे झंडा भी फहराया पोर्ट ब्लेयर पे, ये हमें याद रखना, 30 दिसंबर 1943 को फैलाया, और सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ये वो पहला रीजन है जिसको हमने ब्रिटेन से लिबरेट करवाया है, आज़ादी दिलवाई है, तो उसका नाम हम चेंज कर सकते, तो अंडमान का नाम चेंज करके शहीद द्वीप रखा गया और निकोबार का नाम रख के स्वराज रखा गया, स्वराज द्वीप। बाद में 3 आइलैंड जो थे उसका नाम चेंज हुआ है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे, एक है रोस द्वीप जिसका नाम पूरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम चेंज हुआ है शहीद द्वीप,
हैबॉक आइलैंड का हुआ है स्वराज, नील शहीद और हैबलॉक का स्वराज और रॉस का सुभाष चंद्र बोस। चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था पुलिस स्टेशन में जो आग लगा दिया गया था उत्तर प्रदेश में था, अभी वाला जो रीजन है ना गोरखपुर वहाँ पे था, ठीक है ना, चौरी चौरा इंसिडेंट ये ध्यान रखिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी के कारण तो एंड हुआ। और अगला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बिहार स्पेशल में, जो बिहार स्पेशल में हो गया ना उसको यहाँ पे नहीं रहना, ये भी हो गया था जगजीवन राम जी को दिया गया था और दीपावली के समय में स्किप हो गया था। चलिए, किनको हम फ्रंटियर गांधी, देखो जो बिहार स्पेशल में ऑलरेडी आ गया है उसको यहाँ पे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। फ्रंटियर गांधी कौन है, अब्दुल गफार खान, इनका जो ग्रुप था उनका नाम था रेड शर्ट, ये बिल्कुल खिलाफ थे पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे, ये याद रखना है। उसके अलावे इनके बारे में याद रखना, इनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। और इनका जो ग्रुप था उनको रेड शर्ट, हम उनको खुदाई खिदमत गार्स भी बोलते थे, क्या बोलते थे, खुदाई खिदमत गार्स, ठीक है ना। ये पश्तून फैमिली से बिलोंग करते थे और पेशावर वैली के आसपास से। लक्ष्मीबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगेगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जहाँ पे वो झांसी में उनका डेथ हुआ है, देखो ये बस जो सी ऑप्शन है ना आपको गलत करवाने किए हुए हैं, इनका जो डेथ हुआ इज इवन इनका जो मकबरा वगैरह है वो सब ग्वालियर में है। और किस लड़ाई में ही साथ दी थी, 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है ना, मणिकर्णिका तांबे इनका नाम था, निक नेम इनको मनु बुलाया जाता था और इनको राजा गंगाधर राव से शादी हुआ था झांसी में, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। इनका समाधि है, समाधि फूलबाग में, ग्वालियर के फूलबाग में, नाना साहब और तात्या टोपे ने भी इनका सपोर्ट किया उस लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट बंगाल पार्टीशन, द पार्टीशन अनाउंस्ड फेल लाइक ए बॉम्बशेल, ये किसने बोला था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल पार्टीशन के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ ही लिया है, 16 अक्टूबर 1905 को बिल्कुल इफेक्ट में आ गया था, अनाउंस किया गया था 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। और ये पॉलिसी ब्रिटेन का था डिवाइड एंड रूल वाला, ये तो हम सबको पता है। लोग मिले कहाँ पे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि लोग कहाँ पे मिले जब उन्होंने बॉयकॉट रेजोल्यूशन साइन किया, ये जगह का नाम है टाउन हॉल, क्या नाम है, टाउन हॉल। टाउन हॉल कहाँ पे, कलकत्ता में। और इन्होंने मेन बोला कि क्लोथ और सॉल्ट को सबसे पहले इन्होंने चुन चुन के हटाना शुरू किया, ठीक है। और अगर जो सेशन हुआ 1905 में वो बनारस में हुआ, 1905 में जो सेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने तीन चीज़ को अप्रूवल दी, पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम किया, और कंडेम किया कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी को, और एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट चला था उसको सपोर्ट किया। और मेजर स्टेप तो लिया गया अगले में जब स्वराज वर्ड बोला गया 1906 में दादा भाई नौरोजी के सेशन में। अगला, सरदार उधम सिंह जी ने किसको मारा, माइकल ओडायर को मारा। मदन लाल धिंगरा अगर पूछते ना तो आप बताते करजन वायली को मारा, उद्धम सिंह जी माइकल। देखो जनरल डायर अलग है, जनरल डायर जो गोलियां चलवाया था, बट उस समय गवर्नर कौन था पंजाब का एलटी जो हम बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो था माइकल ओडायर, तो उसको उसका एसेसिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आंसर है बी। अब हम डिस्कस करते हैं 67th का जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था, पहली बार जब 67th का हुआ था वो वाला पेपर अब आ गया है। अभी तक हमने दो पेपर डिस्कस कर लिया है, 68 का डिस्कस कर लिया और 67th का री वाला एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में अब आगे डिस्कस करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट, सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट 1946 में हुआ। अब यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको लगे कि यार ये दोनों तो सेम साल में हुआ है, क्योंकि क्रिप्स भी आपको याद है कि 1942 में ही आया था और क्विट इंडिया रिजोल्यूशन भी 1942 में आया था, लेकिन आप खुद सोचिए
कि हमने ऐसा सुना है कि पहले क्रिप्स मिशन आया अपनी तरफ से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेके कि इंडिया का सपोर्ट चाहिए, हमें इंडियन का सपोर्ट चाहिए इन वर्ल्ड वॉर टू, चाहिए ना। और इसके हेड थे स्टीफर्ड क्रॉप्स जो कि लेवराइट थे, लेफ्ट विंग के लेवर जो ग्रुप था उनका, लेवर पार्टी था, उससे बिलोंग करते थे। अब हमको चाहिए क्या? लेकिन हम इनका बात नहीं माने, तब ना हम जाके क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किए जो कि 8 अगस्त को हमने किया, ठीक है ना। मीटिंग हमने एक्चुअली जुलाई 1942 को किया था, जुलाई 14 जुलाई 1942 को, और जब ये ग्वालियर टैंक है वहाँ पे रेटिफाई किया गया क्विट इंडिया के रेजोल्यूशन को। तो ये दोनों तो हम समझ गए कि भाई पहले वन हुआ था फिर टू हुआ था, ठीक है। अब इन दोनों में समझिए, लॉर्ड वॉवेल, देखो अगर आपको कुछ भी नहीं याद होगा तो भी याद होगा कि यार लॉर्ड वॉवेल तो हमको याद है यार 1945 के इंसिडेंट से, तो ये एक्चुअली 1943 में आए थे, ठीक है। 1945 के एक वॉवेल प्लान है ना, उससे रिलेटेड है, तो ये तो हमको पता चल गया कि यार ये तो बाद में आएगा, या गेस तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ए राइवल ऑफ कैबिनेट मिशन, ये हम सबको पता है 1946 में फरवरी मंथ में आया, और हेड कौन थे? ए वी एलेक्जेंडर। क्रिप्स भी इसमें थे, पैथ्रिक लॉरेंस भी थे और ए वी एलेक्जेंडर भी थे, ठीक है। और चलिए और एक चीज और बताइए, कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे आप बता सकते हो? कमेंट सेक्शन में बताइए, ये बहुत आप बता सकते हो, आसान है। लॉरेंस थे, ठीक है, पैथ्रिक लॉरेंस। एलेक्जेंडर नहीं थे, मेरे से गलती से निकल गया था। चलिए तो, और सबसे पहला क्विट इंडिया मूवमेंट या अराइवल? अराइवल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ये गलती से वहाँ पर हो गया। Who was the president of Lahore session of Indian National Congress? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिटेल में क्वेश्चन समझा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आप रहने दीजिए, ठीक है। एक चीज मुझे बताइएगा, लाल बाल पाल तीन लोग थे, लाल बाल पाल में से तीनों लोग में से किसको प्रेसिडेंट बनाया गया था? ये लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो भी एक स्पेशल सेशन के लिए। बाल और पाल प्रेसिडेंट नहीं बने थे, ठीक है। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो हम लोग को पता ही है, ये यही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। रवि रिवर के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक सेशन हासिल किए हुए, वो कराची वाला, ठीक है ना, कराची वाला 1931 में, कराची इन 1931। और मोतीलाल नेहरू तो हम नेहरू रिपोर्ट वाला 1928 वाला सेशन, राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे सेशन लिए थे 1934, ठीक है। और दूसरी बात कब? जब 1939 में जब प्रेस रिजाइन कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस तब। आपको बताना है इनमें से चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड नहीं थे? पहला जे बी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वो सीक्रेट रेडियो से रिलेटेड थे, उषा मेहता जी के साथ बॉम्बे में से। तो राम मनोहर लोहिया आंसर नहीं होगा, मतलब यही आंसर होगा क्योंकि ये रिलेटेड नहीं थे चंपारण सत्याग्रह से। तो 28 का हमको पता चल गया, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन करते, और कौन कौन थे? एक ब्रज किशोर प्रसाद के बारे में हमने आप लोगों को बताया, क्योंकि ब्रज किशोर रिलेटेड किससे है? ब्रज किशोर रिलेटेड है जिनको बोलते थे महात्मा गांधी अपने किताब में लिखे थे जेंटल बिहारी, ब्रज किशोर प्रसाद। वन ऑफ द लीडर कुंवर सिंह तो आपको पता है बिहार जगदीशपुर से रिलेटेड है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाँ। Who was the president of Gaya session of Indian National Congress held in 1921-1922? ये बिहार का सेकेंड सेशन था, बिहार का पहला सेशन पटना में हुआ था, मधोलकर उसके प्रेसिडेंट बने थे, याद रखें मधोलकर, और सी आर दास थे इसके प्रेसिडेंट। सी आर दास इसके बाद ही क्या बनाया 1923 में? स्वराज पार्टी बनाया, स्वराज पार्टी, स्वराज दल के चेयरमैन और सी आर दास चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद महात्मा गांधी एक सेशन में प्रेजेंट किए थे 1924, ये थे बेलगांव, इसके जस्ट बाद सरोजिनी नायडू की थी 1925 में।
एक चीज़ या और याद रख सकते हो, क्योंकि स्वराज पार्टी का एक बहुत अच्छा स्टेप कब हुआ था, मतलब एक एक ऊंचाई पे कब पहुंचे थे, जब विट्ठल भाई पटेल बन गए थे हेड, ठीक है ना, मतलब स्पीकर बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेली, देखो इंटरिम गवर्नमेंट बना था 1946 में, तो आपको बताना राजेंद्र प्रसाद कौन से पोर्टफोलियो पे थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो बने थे प्रेसिडेंट कब, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था तब, लेकिन उससे पहले किस पोस्ट पे थे, वो उससे पहले राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर पोस्ट पे थे। होम मिनिस्ट्री किनके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा डिफेंस किसके पास था, बलदेव सिंह जी, बलदेव सिंह। फाइनेंस किनके पास था, ठीक है, फाइनेंस अब रहने दे, सो तो याद नहीं कर सकते आप, लेकिन एक लेवर तो हमने जगजीवन राम याद कर ही लिया, ठीक है इतना। एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ, ये जवाहरलाल नेहरू। गदर पार्टी कहाँ बनाया गया था, सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में, इन 1913, कब बनाया गया था, 1913 में बनाया गया था, याद रखिएगा। उनका जो आश्रम बनाया था ना, जहाँ पे हेड क्वार्टर उन्होंने रखा था, वो सैन फ्रांसिस्को के जुगांतर आश्रम था, युगांतर आश्रम। युगांतर नाम तो आपको पता ही चला कैसे नाम पड़ा, क्योंकि एक न्यूज़पेपर था बंगाल में, ठीक है। उसके अलावा ये बनाया गया था सोहन सिंह बखना और लाला हल दयाल के द्वारा, और ये माइग्रेंट इंडियन लोगों ने बनाया था, और ओल्ड नेम जो गदर पार्टी का था ना, होता पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन यह टूट कब गया, 1948 में। ये इन एक एक जर्नल निकालते थे जिसका नाम था गदर, उसी नाम से इन्होंने गदर पार्टी बनाने लगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी दोनों अलग अलग है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय, ठीक है ना। ये बनाया कहाँ गया था, पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया था, ठीक है ना, पुणे महाराष्ट्र में बताया था। इनका एक न्यूज़पेपर था बहुत इंपॉर्टेंट, हिताबदा, हिताबदा। अनहैप्पी इंडिया, देखो अनहैप्पी इंडिया जो किताब है वो किसने लिखा था, ये आपको बताना है, लाला लाजपत राय ने। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। लाल बाल पाल के इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ये एक्चुअली लाल थे, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। उसके अलावा ये पंजाब केसरी, इनको बोला जाता था पंजाब केसरी, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने बनाया था, उसके लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी भी इन्होंने बनाया था, 1894 के आसपास की बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे एक बार, 1920 में, ध्यान देना। नागपुर में मेन सेशन हुआ था, कलकत्ता सेशन की बात करें, कलकत्ता सेशन में 1920 में लाला लाजपत राय। और ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बनाया था, याद रखना, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ठीक है। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका क्रिटिकल रोल था। एक चीज़ और इनसे रिलेटेड याद रखना है कि एक एक ग्रुप इन्होंने इवन वहाँ भी बनाया था, अमेरिका में भी इन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। ये रिप्लाई दिया था, रिप्लाई दिया था किसको, एक कैथरीन मायोर, एक जर्नलिस्ट था ना, उसको रिप्लाई देने के लिए एक किताब लिखी अनहैप्पी मायो। किसको रिप्लाई देने के लिए भी पूछ सकते, कैथरीन, कैथरीन मायो, कैथरीन मायो। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते रहना अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। कौन लीडर थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, ये थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारे फैक्ट डिस्कस किए, और भी कुछ लोग थे जो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे। बी आर अम्बेडकर तो है ही, अगर आगे अगली बार पूछते बी आर अम्बेडकर, उसका एक थे सप्रू, एक थे जयकर, जयकर, एक थे जोशी, एन एम जोशी, और एक है सी एन मुदलियार, मुदलियार। तो ये नाम याद रखने हैं चारों लोग। उसके अलावा एक इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है ना, ठीक है। उसके अलावा ये इस बात पे भी डिस्प्यूट करते थे कि जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम का जो एज कम कर दिया था ना, इसलिए गुस्सा होते थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बहुत एक अच्छा वर्ड से बुलाया जाता था, ये वर्ड है राष्ट्र गुरु,
ठीक है, राष्ट्रगुरु, इन्होंने कंप्लीट किया था इंडियन सिविल सर्विसेज आरसी दत्त के साथ, आरसी दत्त के साथ, याद रखिए आरसी दत्त के साथ, क्लियर। इन व्हिच कंट्री वाज द हॉरिफिक नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? इन व्हिच कंट्री वॉज द, ये किस कंट्री में इनको ये टाइटल दिया गया था? जर्मनी में, ठीक है ना, जर्मनी में। तो तीन आंसर है। हु इज रिलेटेड टू, देखो चिटागोर आर्मरी रेड, ये सूर्य सेन से रिलेटेड है, उन्होंने आर्मरी जो ब्रिटिशर्स लोग का था ना उस पर रेड कर दिया था, मतलब उसको छीन लिया था, मतलब ऐसे बोल सकते हो, उस पर धावा बोल के उसे छीन लिया था। ये लगभग 1930s का स्टोरी है। और भी इनके साथ जो वॉलेंटियर थे उनका नाम था वादियार और कल्पना दत्त, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। आनंद मठ और बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ में एक बंगाली फिक्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है 1882 में। ये किस रिवोल्ट के बारे में इन्होंने लिखा है? इनमें सन्यासी रिवोल्ट के बारे में लिखा है, सन्यासी रिवेलियन के बारे में लिखा है, ठीक है, सन्यासी रिवेलियन। और एक कुछ चीज़ और इनके बारे में याद रखना है, ये इन्होंने बहुत चीज़ को कंपोज किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, एक तो सन्यासी रिवोल्ट को देख के, आनंद मठ, उसके अलावे वंदे मातरम, ठीक है। इनको पता है क्या बोला जाता है? इनको साहित्य सम्राट बोला जाता है, साहित्य सम्राट बोला जाता है, साहित्य सम्राट किसमें? बंगाल में, बंगाली में, क्योंकि ये बिल्कुल, ठीक है। संथाल रिवोल्ट को सिद्धू और कान्हू, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। गांधी जी को चंपारण किसने किया है? हाँ, अब यहाँ देखो, हु हैड अटेंड इनलाइटनमेंट इन बोधगया? देखो इनलाइटनमेंट बोधगया में किनको मिला, अब सिंपल समझो, थोड़ा सा और पीछे इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते तब इनसे डिस्कस करेंगे बाकी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको डिस्कस करना है कि इन, पहले इनका डिस्कस करो जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, याद कर लिया। उसके बाद घर से निकल गए, घर से निकले उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। घर से निकले उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। उसके बाद घर निकल गए, उसके बाद इनको इनलाइटनमेंट मिला, इनलाइटनमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनलाइटनमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब दिव्य ज्ञान या इनलाइटनमेंट ही बोल सकते हो। उसके बाद ये पहली बार शर्मन कहाँ पे दिए, कहाँ पे दिए? सारनाथ में, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और उसके बाद इनकी मृत्यु हुई 483 BC में, ये हुआ कुशीनगर में। कुशीनगर किसका कैपिटल था, किसका राजधानी? मल्ला जो जनपद था ना, महाजनपद, उसका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, कुशीनगर। आगे, हु एस्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति, किसने बनाया? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बिहार ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ है? सासाराम में, शेरशाह सूरी का टॉम है सासाराम में। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इन गुजरात? हरप्पन का कौन सा साइट गुजरात में था? ये था लोथल, लोथल की बात करें, रोकथल, लोथल, ठीक है। ये डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था, ये गुजरात में है। और यहाँ पे एक रिवर है, पता है कौन सा रिवर? वोगवा रिवर है, वोगवा, ठीक है ना, उसी के आपको मिलेगा उस पर बाउंड्री पे। चोला डायनेस्टी के, ध्यान देना, चोला डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम है? चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका क्या नाम है? उनका नाम है विजालया। क्या नाम है? विजालया। और इनका चोला का जो कैपिटल कहाँ पे था? तंजोर में कैपिटल था। कहाँ था? तंजोर। कैपिटल भी याद रखो, चेरा चोला पांड्या है ना, तंजोर, ठीक है। और दो चोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक राजा राजा वन और एक है राजेंद्र वन, राजा राजा वन और दूसरा क्या होता है? राजेंद्र वन। चोला डायनेस्टी के बारे में हम ये थोड़ा सब इंफॉर्मेशन याद रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ, ये भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ,
122nd नंबर। देखो जो बिहार स्पेशल में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके वो यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। अब चलिए, हु रोट द बुक किरत अर्जुनिया, किरत अर्जुनिया जो किताब है वो किसने लिखा है, उस लिखा है वैरवी ने। किसने लिखा है? वैरवी ने लिखा है। महाकवि वैरवी इनको बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। बेस्ड ऑन द शॉर्ट स्टोरी ऑफ अर्जुना वॉट विथ किरतवेश्वरी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो। वैरवी ये पूछ दिया। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया? कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट किया? देखो सबसे पहले शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। किनके नाम पे? क्योंकि क्या आपको लगता है वो अपने नाम पे बना रहे थे? नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके नाम पे। और इसको ख़त्म एंड किसने किया? इल्तुतमिश ने बना के ख़त्म किया, ठीक है ना। शुरू किसने किया? कुतुब, ये स्लेव डायनेस्टी, ये है स्लेव का स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव इनको बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद स्लेव थे, ठीक है। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने रीबिल्ड किया दो स्टोरी को इसमें से, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। रजिया सुल्तान तो आपको पता है, ये फर्स्ट वुमेन दिल्ली फर्स्ट वुमेन सुल्तान थी। विजयनगर हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया, कौन सा डायनेस्टी था? संगमा डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? संगमा डायनेस्टी। और डायनेस्टी कौन हुआ? संगमा, सुलुवा, तुलुवा और आबिदु। और जो लास्ट में लड़ाई हुआ है तालिकोटा की लड़ाई, ये तुलुवा डायनेस्टी में हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? जब थॉमस रो आए थे, अगर आपसे पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तब उस समय कौन थे किंग पता है? अकबर। बट जब वो आ गया था इंडिया में, जब वो बना था 1600 में, तो उस समय कौन था? अकबर था। लेकिन जब बन गया यानी इंडिया में आया, और इवन आप बोल सकते हो इंडिया में आ गया 1600 में, लेकिन मिला जाना तो उस समय जहांगीर आ गया था 1608 में मिला। पहली बार 1608 में मिला विलियम हॉकिंग्स, उसके बाद 1615 में मिला, इस समय मिला थॉमस रो। तो दोनों समय जहांगीर से मिला, ये भी बात याद रखिएगा। सबसे पहले विलियम हॉकिंग्स 1608 के आसपास मिले, फिर सर थॉमस रो। आईनी अकबरी, तो ये तो एक क्वेश्चन है भी पूछा था अबुल फजल, ठीक है। उसका रैयतवारी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। रैयतवारी जो सिस्टम है सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, ये आपसे पूछा है। देखो सबसे पहले आया कहाँ पे रैयतवारी? थॉमस मुनरो ने लाया, मुनरो और रीड ने लाया, ठीक है ना। और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है बॉम्बे और मद्रास दोनों जगह पे। बॉम्बे और मद्रास तो यानी सी जो मोर देन एवा वाला होगा। इसमें समझना होता है कि यार ये नन वाला नहीं होगा, मोर वाला आंसर होगा। और किसके कारण? क्यों? क्योंकि ये दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको फर्स्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला? वी डी सावरकर जी ने बोला, ठीक है ना। वी डी सावरकर जी ने बोला द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली क्या इंडियन लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट बनी थी, याद रखना। इनसे रिलेटेड कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और होम रूल लीग इन्होंने बनाया, होम रूल लीग इन्होंने बनाया। उसके अलावा सरोजिनी नायडू के बारे में बोला जाता है कि ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी, और पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट है जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद में। अगला क्या है? हु स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत, मैंने आप लोग को बताया था बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते 67वीं हो गया, अब हम 66वीं डिस्कस करते 66वीं अब हम डिस्कस करते तीन पेपर ऑलरेडी हो गया, अब 66 का पेपर डिस्कस करते हैं। चलिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज हैव ट्रेसेस ऑफ टीलेज फील्ड फाउंड। टीलेज फील्ड जो मिलता है जूते हुए खेत, ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। अगर आपसे पूछा जाए हल्का ट्रेसेस कहाँ से मिला है, तो ये धोलावीरा से मिला है। मोहनजोदड़ो से 3G मिला था, 3G क्या? ग्रेनरीज,
डांसिंग गर्ल और ग्रेट बात, क्या है? ग्रेट ग्रेनरीज, इसका जो ग्रेनरीज था ना हरप्पा से ज़्यादा बड़ा था। ग्रेट बात जिसमें रिचुअल बात करते थे, और उसके बाद डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल किस चीज़ का बना होता था? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बोलते थे। लोथल से क्या मिला है? लोथल से डॉकयार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, जब हम थ्री जिम्स या थ्री रत्न की बात करते ना, थ्री रत्न का मतलब होता है प्रेसाइज नॉलेज, ट्रू फेथ एंड प्रेसाइज एक्शन। प्रेसाइज नॉलेज, ट्रू फेथ एंड प्रेसाइज एक्शन, ये किससे रिलेटेड होता है? कौन से धर्म से रिलेटेड है? ये जैनिज्म से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है। जैनिज्म, जैनिज्म का 24 तीर्थंकर कौन है? महावीर जैन। जैन दो पार्ट में टूट गया था, क्या नाम था? कौन से दो पार्ट थे? दिगंबर, दिगंबर और एक थे श्वेतांबर, ठीक है ना, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो मानते थे कि वो कोई कपड़े नहीं पहनते थे, श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते थे, ठीक है। जो फाइव वोज है अंडर जैनिज्म, वो क्या है? महाव्रत जो लाता है, उसमें आता है नॉन वायलेंस, नॉन अटैचमेंट टू पोसेशन, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग एंड सेक्सुअल रिस्ट्रेंट, यानी कैलिवेसी की बात करते हैं। तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है तो कश्मीर के कुंदग्राम में किसने किया था? ये तो हम सबको पता है, कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो डिटेल में हम ऑलरेडी करा चुके, सेम बात को रिपीट करना सही नहीं है। महायान और हिनायन में टूट गया था, ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्यों, जो हमारी फिलॉसफी है सिक्स फिलॉसफी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है योगा, पतंजलि रिलेटेड है उससे, न्याय, तो लेकिन आपसे पूछेगा एटॉमिक थ्योरी किससे रिलेटेड है, यह है वैशेषिका से रिलेटेड। वैशेषिका, एटॉमिक थ्योरी दिया किसने था? वैशेषिका, एटॉमिक थ्योरी वैशेषिका से रिलेटेड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी प्रोपाउंडेड एटॉमिक थ्योरी के बाद? वैशेषिका। योगा पतंजलि है इसके, सांख्य कपिला है इससे, ठीक है। ये सब थोड़ा सा नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये बात किसने बोली थी, वैशेषिका या एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? कन्नर ने दी थी, कन्नर, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन याद रखना है। किस दिल्ली सुल्तान ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी? ये हम सबको पता है, बलबन, बलबन ने ब्लड एंड आयरन की, और कई सिस्टम चलाया था उसने, सजदा एंड पवोस की सांस, मतलब क्या बोलते हैं, झुकना होता है, चूमना होता है पैर को या हाथ को, ऐसे मतलब पैर को छूना होता है, हाथ को चूमना होता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। और ये भी स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जो इल्तुतमिश एक सिस्टम नहीं रखा था, चालीसा वाला सिस्टम, 40 टर्की स्लेव, ये उसमें थे, याद रखें। ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये बिल्कुल एनिमी से बिल्कुल रूथलेस थे, तलवार का यूज करके कैसे भी करके उसको मारना है। Which medieval Indian empire was widely known for local self government? Local self government के लिए किनको जाना जाता था? चोला के लिए जाना जाता था। ध्यान देना, चोला किंगडम जो था ना, बहुत सारे किस में टूटा हुआ था? मंडल में टूटा हुआ था, मंडल में टूटा हुआ था, याद रखना। हर एक मंडल को और किस में? उपमंडल या कोट्टम में टूटा तोड़ा होता है, और हर कोट्टम को ये नाडू में टूटते हैं, नाडू, और उसके अलावे विलेज यूनिट होता है, इसको हम तार कुर्रम बोलते हैं। चोला डायनेस्टी इसलिए है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट है वो। अगला है पिएट्रा ड्यूरा स्टाइल, ये वॉल को डेकोरेट करते हैं, और सेमी प्रेसियस स्टोन। जब हम लोग घूमने गए थे ना, मैं बता रहा हूँ, तो बोल रहे थे कि जो गाइड होता है कि यार वो लोग क्या करते हैं, निकाल लेते थे, मतलब हाथ से, मतलब जो घूमने आते ना उसमें से बहुत लोग ऐसे गए कि वो थोड़ा थोड़ा पत्थर टाइप का रहता था, उसको निकालने का कोशिश करते रहते थे, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो इसलिए थोड़ा सा उतना नज़दीक नहीं जाने दिया जा रहा था लोगों को। व्हिच मुगल रूलर एस्टैब्लिश कारखाना, पेंटिंग के लिए कारखाना किसने एस्टैब्लिश की, ये क्वेश्चन पूछा था। पेंटिंग के लिए कारखाना अकबर ने एस्टैब्लिश की थी, किसने? अकबर याद रखिए, ठीक है ना। तस्वीर खाना या कारखाना फॉर पेंटर्स, बहुत सारे उसमें, मतलब समझो ना, पेंटिंग का भूत सवार था उन पे। लेकिन पेंटिंग अपने जेनिथ पे कब पहुंचा? जब जेनिथ पे पहुंचा, जब हुमायूं के समय में।
जहांगीर के समय में द ड्यूअल सिस्टम ऑफ बंगाल। देखो हुआ क्या था बंगाल में, आपको सबसे पहले पता है कि बंगाल में सबसे पहले एक वॉर होता है जिसका नाम है 1757 का वॉर, नाम बता दो, नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में सिराज उद्दौला हार जाता है, एक्चुअली लड़ाई ही नहीं होती है, और उसके बाद बढ़ जाता है मीर जाफर। मीर जाफर के बाद आता है फिर मीर कासिम। मीर कासिम के बाद फिर से, क्योंकि ये लोग थोड़ा हुआ करने लगते हैं अंग्रेज़ से, अंग्रेज़ हटा देते, फिर से मीर जाफर बनते। अब मीर कासिम को थोड़ा आ गया गुस्सा, वो चल गया तीन लोगों के पास, एक तो अवध, और एक चीज़ आपको पता है अवध के पास जो अवध का है शुजाउदौला अवध में जो रहते थे, अवध के किंग, और अवध के किंग में एक्चुअली एज ए रिफ्यूजी रह रहे थे शाह आलम टू, मुगल किंग जो शाह आलम टू थे। तो ये दोनों मिलके आए और किसका सपोर्ट किया, मीर कासिम का, और ये लड़ाई हुआ बिटवीन एमबीए मतलब मुगल बंगाल अवध वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, और इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद जो ट्रीटी हुआ बंगाल के साथ नहीं साइन हो रहा है, एक और ट्रीटी हुआ मुगल के साथ, एक ट्रीटी हुआ अवध के साथ साइन हुआ। और इसी ट्रीटी में एक पॉइंट ये था कि ये ड्यूअल गवर्नमेंट बनेगी, मतलब इस ट्रीटी में एक पॉइंट था वो 1765 से ड्यूअल गवर्नमेंट बन गई, और एक तो अंग्रेज का रह रहा है, एक तो समझो वहाँ बंगाल का अपना नवाब है, एक डिप्टी नवाब बन रहा है। तो पहले डिप्टी नवाब बन रहे रॉबर्ट क्लाइव, इनके पास सारा कौन सा कॉमर्शियल पावर है लॉर्ड, और जो वॉरेन हेस्टिंग ने इस सिस्टम को हटा दिया, और इस सिस्टम के बाद कौन सा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ ही गया, तो तब जाके ये सिस्टम हटा। 1765 से लगभग 1773 तक ये सिस्टम चला था। वेंटिक तो आपको पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन बंगाल पार्टीशन करवाया था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। Who among the following participated in the Parliament of Religion held at Chicago in 1893? ये कौन पहुँचे थे? स्वामी विवेकानंद पहुँचे थे, ठीक है, और ये हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। याद रखिए स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपना मठ बनाया उसका नाम है रामकृष्ण मठ, ठीक है ना, और रामकृष्ण मिशन भी उन्होंने किया। वर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो भाषण दिया था ना वहाँ पे उन्होंने बोला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, शिकागो में हुआ था। और इनका जो नाम है ना, नाम वो भी इन्होंने चेंज किया था, कि इन्होंने महाराजा अजीत सिंह जो राजस्थान में जो खेतरी के किंग थे ना, उन्होंने इवन जो शिकागो के ट्रिप पर जाने के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया था, ठीक है। कर्मयोगा, राजयोगा, भक्ति योगा, जाम योगा, ये इम्पॉर्टेंट वर्क है विवेकानंद जी का, याद रखिए। और सैन फ्रांसिस्को में एक वेदांता सोसाइटी भी बनाया था, और उसके अलावा शांति आश्रम बनाया था कैलिफोर्निया में। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही मनाया जाता है। स्वराज पार्टी तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया। नील दर्पण, जिसमें इंडिगो फार्मर के बारे में बताया जाता है, आपको बताना है हु रोट, किसने ये किताब लिखी है नील दर्पण के बारे में, ये है दीनबंधु मित्रा 1860 में किताब लिखी, ठीक है। दीनबंधु मित्रा ने और भी किताबें लिखे, पोदा महेश्वर भी लिखी थे, और भी कई किताबें लिखी थी, लेकिन दीनबंधु मित्रा उन्होंने लिखी थी। फेमस बैटल ऑफ बंदीवस हुआ, बैटल ऑफ बंदीवस जो कि 1760 में हुआ, आपको बताना है ब्रिटिश किसके साथ लड़ी थी, ये फ्रेंच के साथ लड़ी थी, किसके साथ, फ्रेंच के साथ लड़ी थी। ये थर्ड कर्नेटिक वार हुआ था, ब्रिटिश के आर्मी से के तरफ से कौन लड़ रहा था, ये कूटी, COOT, कूटी, ये ब्रिटिश के तरफ से लग रहा था, वर्सेस फ्रांस के तरफ से कौन लड़ रहा था, कॉम्टे डी लैली। ये एक्चुअली पार्ट था सेवन ईयर वॉर का पार्ट था, समझ में आया, सेवन ईयर वॉर का पार्ट था। तीन कर्नेटिक वॉर हुआ, ठीक है। पहला कर्नेटिक वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन हुआ, तीन ट्रीटी साइन हुआ, और सेकेंड वाला इम्पॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इम्पॉर्टेंट है। और जो पहला वॉर हुआ उसमें ब्रिटेन की तरफ से, जापान की तरफ, इसको फ्रांस की तरफ से कौन लड़ रहा था, डुप्लेक्स।
ट्रीटी ऑफ, उसका नाम था एक्स ले चैपल, इस तरह का कुछ था, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी सेकेंड, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, गांधी जी किस कॉलेज में पढ़े थे। कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये छूट गया, तो वो बिहार स्पेशल में हो गया होता है, ठीक है। गांधी जी सामलदास कॉलेज भावनगर में पढ़े थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है ये बताना है। देखो ऑप्शन आप पढ़ो, सबसे पहले लखनऊ से बेगम हजरत माल थी, ठीक है ये तो सही है। मौलवी ऑफ फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। उसके अलावा बेगम जीनत महल, देखो दिल्ली से जो थी ना, दिल्ली से तो बेगम बख्त महल करके थे, बख्त महल, ये ध्यान रखना है। और नाना साहब ये कानपुर से थे, तो सब के सब करेक्ट है, ठीक है, मतलब मोर देन वन एबव जो है वो करेक्ट है। चलो ठीक है, ये भी करेक्ट है, जीनत महल जो दिल्ली से थे ये एक्चुअली इम्प्रेस थी, समझ लेना। बख्त महल तो जनरल था ना, मिलिट्री जनरल। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट के बारे में बोला था, किस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वी हैव प्रोवाइडेड विद अ कार, कार में ब्रेक है बट इंजन नहीं है, तो कार चलेगा ही नहीं। ये 1935 के जो एक्ट है उसके बारे में बोला था। इस एक्ट में क्या किया गया था, जो पिछले एक्ट में डायरकी सिस्टम लाया गया था प्रोविंस में, अब ये डायरकी सिस्टम प्रोविंस से हटा के किस कहाँ पे लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च लास्ट, देखो 24 दिन का चला था, 12 मार्च शुरू हुआ था और वो लॉ को ब्रेक करने वाले थे 6 अप्रैल को, और 5 मई को जाके, मतलब लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को अरेस्ट किया गया है, याद रखना गांधी जी को अरेस्ट किया गया। कारो बाबू एकमात्र इंडियन थे, एकमात्र बिहारी थे जो इनके साथ गए थे, क्योंकि 72 लोग और गए थे ना, लगभग 241 मील तय करना था गांधी जी के साथ, लगभग 375 किलोमीटर। हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक्चुअली ये पॉपुलर, अगर आपसे पूछा जाए ना पॉपुलर किन्होंने किया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि सर फरोशी की तमन्ना को पॉपुलर किए थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, बट ये लिखा किसके द्वारा, एक बार ये ऑप्शन में सिर्फ बिस्मिल नाम था तो करेक्ट था, बट ये बिस्मिल अजीमाबादी के बारे में क्या है, अजीमाबादी। ये पहली बार किस जर्नल में लिखा गया, उस जर्नल का नाम है शबाह, शबाह एक जर्नल है ना, उस जर्नल में पहली बार लिखा है जर्नल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, व्हिच मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू पार्टीशन, ये तो हमने बता दिया स्वदेशी। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट हैड अपीयर फॉर द INA ट्रायल, INA ट्रायल के लिए कौन सा एडवोकेट पहुंचे थे, ये देखो। एक तो हेड थे, भूला भाई देसाई तो हेड थे, लेकिन और भी लोग थे, मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन लोग थे, भूला भाई देसाई, अशरफ अली, जवाहरलाल नेहरू भी थे, तेज बहादुर शप्रू भी थे, कैलाश नाथ काटजू भी थे, और लेफ्टिनेंट कर्नल हरिलाल वर्मा बारेटला, ठीक है, ये सब थे पहुँचे थे। तो इसके हेड कौन थे, हेड थे भूला भाई देसाई, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। वेयर डिड मैडम कामा के इनको बोला जाता है मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई थी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो कि था जर्मनी स्टुगार्ट में, ठीक है ना। फिर वहाँ पे इन्होंने ट्राई कलर फैलाया, वो तीन कलर था, ग्रीन सैफ्रन और रेड, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, 1896 में जो व्यूवोनिक प्लेग आया ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, तो बीकाजी ने इमिडिएटली अपने वॉलंटियर भेजे, ठीक है ना, और खुद अब सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा, इतना याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है, विनोबा भावे,
ये तो इनकरेक्ट है। सी आर दास को क्या देश बंधु बोला जाता है? देखो, देश बंधु बोला जाता है कि दीन बंधु? देश बंधु बोला जाता है, ठीक है ना, ये आप याद रखें। एंड्रयूज को दीन बंधु बोला जाता है। विलियम वेंडरवन, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1907 में, नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट 1907 में सूरत स्प्लिट याद नहीं, याद करो, रास बिहारी बोस, ठीक है, तो ये भी गलत है। श्याम कृष्णाजी वर्मा, ये इंडिया हाउस इन पेरिस, इंडिया हाउस जो पेरिस में था उसके फाउंडर थे वो, नहीं, ठीक है ना, ये भी बात याद रखना आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विनोबा भाई फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू रहता था, तो ये भी करेक्ट होगा। सी आर दास इंडियन स्वराज पार्टी बनाया। विंडरवन, ये नहीं, गलत है। श्याम जी, ये फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस एट लंदन था ना, तो चार में इसलिए गलत हुआ। पूर्ण स्वराज डे हमने पहली बार कब मनाया? 26 जनवरी 1930। अब हम डिस्कस करेंगे 55th का, वो 66th नहीं है, और 55th है, 65th है, ठीक है, 65th। चलो, हु रोट द बुक देसर कथा? देसर कथा का मतलब है देश की बात, ठीक है ना, देश की बात। ये लिखा किनके द्वारा गया था? सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम गणेश देउस्कर। और भी कई किताब है, बाजीराव, आनंदीबाई, देसर कथा, ये सब इन्हीं की किताब है। बट इनका जो ट्रांसलेशन था, हिंदी ट्रांसलेशन, वो किया था देश की बात का बाबूराव विष्णु पराधर, पराधकर। हु वॉज एडिटेड द सर्च लाइट न्यूज? देखो, सर्च लाइट न्यूज पेपर जो कि बिहार से रिलेटेड है, इनको किसने लिखा था? मुरली मोहन प्रसाद ने। किसने लिखा था? मुरली मोहन प्रसाद। ये प्रोमिनेंट न्यूज पेपर था उस समय का, ये भी बात रहेगी। पहले एडिटर कौन थे? सैयद हैदर हसन, और सेकेंड थे महेश्वर प्रसाद। सेकेंड कौन थे? महेश्वर प्रसाद। तो हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज पेपर इन बिहार? यह है मुरली प्रसाद, मुरली मोहन प्रसाद। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए ओ ह्यूम, याद रखिएगा। उसके अलावा याद रखिएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, पहले प्रेसिडेंट। उसके अलावा याद रखना है, बॉम्बे में हुआ था, तेजपाल साइंस कॉलेज कर, तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। उसके अलावा याद रखना है, टोटल 72 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। और सेकेंड सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक से लाल बाल पाल से आप बहुत कुछ याद रखे हो, लोकमान्य उनको बोला जाता। इनके बारे में एक और चीज याद रखना है, इनको, इनकी एक और थे वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अनरेस्ट। तो इनको बोल दिया था कि ये तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, इंडियन अनरेस्ट लिखा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब इंडियन अनरेस्ट किताब का नाम था, और इनको बोल दिया था फादर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाया था, फर्ग्यूसन कॉलेज बनाया था, और गीत रहस्य किताब लिखी थी, और आर्किटिंग होम ऑफ वेदाज भी लिखा था। उसके अलावा दो न्यूज़पेपर था, केसरी मराठी में और महाराठा इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपना नाइटहुड त्याग दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जो अपना नाइटहुड त्याग दिया था, ये किस समय, किस समय त्याग था? जालियांवाला मैसेकर के बाद, ठीक है ना। ये इसको अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं। अंग्रेज ने, जनरल डायर ने गोली चलानी शुरू कर दी थी, और जनरल डायर ने जो किया था उसको पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करवाया था, उसका नाम था माइकल ओ डायर। इसलिए माइकल ओ डायर को उद्धम सिंह ने एसासिनेट कर दिया था और बदला ले लिया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। हुइच रिवॉल्यूशनरी, किस रिवॉल्यूशनरी को हैंग किया गया था? ध्यान देना, हैंग किया गया था काकोरी, काकोरी जो ट्रेन कांड हुआ था ना उसमें, ठीक है ना। काकोरी के ट्रेन कांड में किन को अरेस्ट किया गया था? कई लोगों को किया गया था, बट हैंग किन को किया? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह को। करा किसने था पता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। किसने? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA ने किया था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फिर बाद में बना था,
1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना ही था 1924 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस ये किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी है सी आर दास ने। हिस्ट्री फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी उन्होंने ही लिखा था। सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है? ज्योतिबा फुले। याद रखना है 1873 में जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। और बी आर अम्बेडकर से तो याद ही है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया था और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट। फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे। इंडिया हाउस इन लंदन किसने बनाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बनाया? ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया बर्लिन कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट में। उसके बाद द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बनाया। क्या बनाया? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, याद रखना द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाया इन लंदन। और तारकनाथ दास से आपको याद रखना है, इन्होंने गदर पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था लाला हरदयाल के साथ। रास बिहारी बोस तो आपको पता ही 1907 वाले प्रेसिडेंसी में रहे। उसके बाद हार्डिंगे के एसेसिनेशन में बहुत इनका योगदान था। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एट टोक्यो बनाया। टोक्यो। अगला क्वेश्चन क्या है? यूसुफ शाह चाक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली वॉज एक्साइल टू बिहार बाई मुगल एम्परर अकबर। ये कहाँ पे इनको व्यूरीट किया गया है? नालंदा में किया गया है। ये भी बात याद रखिए, नालंदा में किया गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हु बिकेम द एडिटर ऑफ द न्यूज पेपर? द हिंदू के न्यूज पेपर के एडिटर कौन बने थे? किसके बाद? इनके बाद आए थे मुकुंद पद्मनाभन के बाद ये सुरेश नामबंद बने थे। कौन बने थे? सुरेश नामबंद। द नेम ऑफ अशोका इन जनरली रेफर्ड इन द इंस्क्रिप्शन। इनका नाम लिखा होता था देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी। याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने इनकी जो बातें थी, इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर किया। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन? मेडिसिन के काम के लिए इनको जाना जाता है। गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे। इनका नाम है सुश्रुता। क्या नाम है इनका? सुश्रुता। ठीक है, सुश्रुता संहिता इनका आता है। संस्कृत में किस पे बात करते हैं पता है? सर्जरी पे। और गुप्ता एरा तो हमको पता ही है, गोल्डन एज बोलते हैं गुप्ता एरा को। तो गुप्ता एरा के बारे में और कुछ हम नहीं जानेंगे अभी। एक और चीज़ है सुश्रुता, याद रखिए सुश्रुता। हु अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया राइट टू लेफ्ट? भाई इधर से इधर, ये तो हम अभी उर्दू लिखते हैं तो ये स्क्रिप्ट है खरोष्टी। Which one of the following port was used for the North Indian trade during the Gupta period? Which one of the following port was used in for the North Indian trade by the during the Gupta period? ये बताना है आप लोगों को। ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन से पोर्ट का यूज करते थे? ये ताम्रलिप्ति पोर्ट है। कौन सा? ताम्रलिप्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल पेंटिंग अपने सबसे टॉप पे कब पहुंचा? जहांगीर के समय में, ये तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है मेडाइवल इंडिया में मनसबदारी सिस्टम क्या था? अकबर इस सिस्टम को लाया था। मनसबदारी सिस्टम में क्या था? फॉर रेवेन्यू कलेक्शन? नहीं, फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। ये बहुत ज़्यादा करेक्ट है। टू एस्टैब्लिश रिलीजियस आर्मी? नहीं, टू सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड। अष्ट प्रधान आपने सुना होगा किसके समय में था? अष्ट प्रधान था किसके समय में? शिवाजी के समय में। अगर आपसे पूछा जाए अष्ट दिग्गज किनके समय में था? अष्ट दिग्गज था
विजयनगर के समय में, दोनों में करेक्ट इन ऑप्शन थोड़ा अलग है, अष्ट दिग्गज और अष्ट कौन था, अष्ट प्रधान। हुई दिल्ली सुल्तान बिल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कनाल, सबसे ज़्यादा कनाल कौन दिल्ली सुल्तान के किसने बनाए, ये बनाए फिरोज शाह तुगलक ने, किसने बनाए फिरोज शाह तुगलक ने बनाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु यूज हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, पुर्तगीज नहीं ना यूज करते थे बे ऑफ बंगाल को एज ए पायरेसी यूज करते थे, ठीक। पुर्तगीज के बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखना, सबसे लास्ट, सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए भारत से। ठग अगला है, अंडर हुज लीडरशिप वॉज सेपरेशन ऑफ ठग अचीव्ड, ये कैप्टन स्लीमैन की अध्यक्षता में हुआ था, कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे 65th हो गया, ये 64th है, 64th। द वायसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, ये लॉर्ड लिटन था, वैसे भी ये बहुत खराब काम किया था। एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1870 एक्ट में, उसका ग्रेट फेमाइन आया था 1876 में, ये तो आपको पता ही है। तो फेमाइन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ रिचार्ड स्ट्रेची, और उसके अलावा आर्म्स एक्ट भी पास हुआ था। तो तीन चार इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इसके लिए लॉर्ड लिटन से। इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी, कहाँ से स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से दांडी गए थे। शराबबंदी जो कैंपेन है 1922 में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किया था। जब इंडिया पार्टीशन हो रहा था, इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे जेबी कृपलानी। तो ये कुछ, ये सब ऐसे इन्फॉर्मेशन है ना जो आपको याद होना चाहिए, ये सब बिल्कुल फैक्चुअल है, ठीक है ना। जेबी कृपलानी से याद रखना है 1947 में, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था ना उसी में। ईओ ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, बारह, डब्ल्यू सी बनर्जिया, ये सब का नाम आप लोगों को याद ही होगा। अब चलिए हम डिस्कस करते 64th का, 65th का सारा हो गया, अब 64th का डिस्कस करते हैं। 64th बचेगा और फिर 63rd, फिर 62, 60, मतलब हमारा 50% हो गया, आधा हो गया, और आधा क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल है और इसमें बहुत सारा ऑलरेडी रिपीटेड है, तो उसको हम छाटना होगा, तो जल्दी हो जाएगा, फिर 30 से 35 मिनट और वीडियो में कवर हो जाएगा हमारा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम, सबसे पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है और एग्रीकल्चर, ये पहली बार कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ के बारे में बोला जाता है, ये साइट है नियोलिथिक साइट है। मेहरगढ़ किस रिवर के किनारे, वोलन रिवर के किनारे, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। उसके अलावा और याद रखता कि जॉन मार्शल ने पहली बार बोला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रो हिस्टोरिक पार्ट की, हिस्ट्रिक पीरियड के से बिलोंग करता है। इसका मतलब इस पीरियड में चीज़ें लिखी तो हुई है लेकिन अभी उसको पढ़ नहीं पाए हैं। दयाराम सहनी ने सबसे पहले हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के, मोहनजोदड़ो सबसे लार्जेस्ट साइट है IVC की, और राखीगढ़ ही वो साइट है जो इंडियन साइट है, अभी इंडिया साइड में है। After the महापरिनिर्वाण of Lord Buddha, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, राजगीर में हुई थी, राजगृह में, ठीक है। डिटेल में कराए हुए वो सब, आपको क्या क्या याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल, तीनों के प्रेसिडेंट महाकश्यप, सभाकवि मोगलीपुत्रीसा, वासुमित्र। राजा याद रखना, पहले के राजा थे अजातशत्रु, सेकेंड के काल अशोक, थर्ड के अशोक, चौथा के कनिष्क। पहले में दो स्क्रिप्ट लिखा गया था, सुतपितक विनयपितक, सुतपितक उपाली आनंद ने लिखी थी, विनयपितक उपाली ने लिखी थी, दोनों में अलग अलग बातें हैं। विनय में रूल्स कोड एंड कोड वगैरह लिखा है कि कैसे मोनास्टिक कोड होगा और इथिक्स वगैरह होगा। और उसके बाद सुतपितक में लिखा है बुद्धा की स्टोरी, बुद्धा के प्रीवियस लाइफ, बुद्धा के पढ़ाए हुए चीज़, ये सब। फिर महायान और हीनायान में विभाजित हो गया, कब, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। ये सब हमको थोड़ा बहुत याद रखना है।
सबसे पहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशूज गोल्ड क्वाइन ऑन अ लार्जर स्केल, लार्ज स्केल पे गोल्ड क्वाइन किसने मतलब कि जारी किया है, ये किया कनिष्क ने, कनिष्क ने किया, तो याद रखे वीमा कैटफिशेस के ही का ही बेटा है कनिष्क, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ अर्थ इन ओन एक्सिस, कि अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ये बात आर्यभट्ट ने बोली थी, किसने बोली थी, आर्यभट्ट ने बोली थी, आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड, देवपाल को रिक्वेस्ट किया थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉरेस्ट मेंटेनेंस, इसको क्या बोला, किन का नाम है, बाल पुत्र देव, याद रखना बाल पुत्र देव किस डायनेस्टी के, शैलेंद्र डायनेस्टी के, किस डायनेस्टी के, शैलेंद्र डायनेस्टी, ध्यान रखना बाल पुत्र देव। ये किताब है किसने लिखा था, हु रोट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंसी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंसी किसने लिखा है, ये इस देखो ये लिखा है एक्चुअली विलियम एच स्कॉफ ने, तो इनमें से कोई आंसर नहीं, विलियम एच स्कॉफ। और किताब यहाँ देखो प्लोटमी, प्लोटमी ने किताब लिखी है द ज्योग्राफी, प्लीनी का किताब है नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। इसके अलावा इंडिका किसका है, मेगास्थनीज का है, मेगास्थनीज। अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी, ये तवाकत नसीरी, ये मैंने आज कराया है जब मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री बिहार का, व्हिच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड वॉज मेजरमेंट एज ए रेवेन्यू, किस डिमांड ने, किस किंग ने, किस किंग ने या किस सुल्तान ने इस बात की डिमांड की थी, भाई जितना होता है उसका आधा दे दो, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था। क्या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और काफ़ी सिस्टम लाए थे हम, ठीक है ना, एक सिकंदर, सिकंदरा करके एक सिस्टम था, सिकंदरा गज करके सिस्टम था, वो सिस्टम ये यूज करते थे। इल्तुतमिस के बारे में थोड़ा बहुत याद रखना आप लोग कि स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और आराम बख्श को मारा था, आराम बख्श एक्चुअली इल्तुतमिस का, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, उसको मार के हटाया था गद्दी से। और बलबन ने एक सिस्टम लाया था दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने इस्टेब्लिश किया था, दीवाने अर्ज वर्ड सुनना ना, दीवान ए अर्ज, ये किससे रिलेटेड है, ये है बलबन से रिलेटेड है। और उसके बाद ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये सब पता है, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, कुतुब मीनार उनकी बेटी बनी थी रजिया सुल्ताना। शेख बदरुद्दीन जकरिया, शेख बदरुद्दीन जकरिया ये किस सेक्ट से बिलोंग करते थे, शेख बदरुद्दीन ये सुहरावर्दी सिलसिला से बिलोंग करते थे, किसे, सुहरावर्दी सिलसिला। क्लियर, अगला करेंट, अगला हम डिस्कस करते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इंटू 200, 250, 500 में डिवाइड करते थे, ये इस्लाम शाह की है, ताकि यार एफिशिएंसी बने रखे, 50, 250, 200 में डिवाइड करते थे, छोटे 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 डिवाइड करते थे, याद रखिएगा। उसके अलावा शेरशाह, तो आपको पता है शेरशाह सूरी अलग है, उनका नाम है फरीद हराया था। और एक सीन सिकंदर गज, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, सिकंदर गज जो यूज किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था, मैंने अलाउद्दीन खिलजी में बता दिया था, नहीं सॉरी। ठीक है, 61st नंबर, हु स्टेटेड दैट 5,000 to 20,000 मैन वर्क फॉर 40 ईयर्स टू बिल्ड ए प्लेस ऑफ 40 पिलर एट अलाहाबाद इन अकबर टाइम, ये किसने ये बात बोली थी कि अब बनाया गया था, विलियम फिंच ने बोली थी अपनी किताबे में, ठीक है। और विलियम फिंच एक्चुअली इंग्लिश मर्चेंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे और विलियम हॉकिंग्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे, और इवन ये जहांगीर के दरबार में भी गए थे विलियम हॉकिंग्स के साथ, विलियम फिंच नाम है। उन्होंने बोला कि 5,000 लोग, 5,000 से 20,000 लोग
आदमी काम कर रहे थे जब 40 साल तक, ताकि पैलेस बना सके और 40 पिलर एट अलाहाबाद अकबर के समय में। व्हिच सुल्तान वॉज रिप्यूटेड एज अकबर ऑफ कश्मीर? अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलता था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है, ठीक है। इनके बारे में अकबर ऑफ कश्मीर थोड़ा सा पावरफुल वगैरह था इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु बिगेन द फैरेजी मूवमेंट? हाजी सरीतुल्ला, ये हम सबको पता है हाजी सरीतुल्ला। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किताब 1901 में लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 1886, 1893, 1906। किताब और शायद पॉवर्टी, कंडीशन ऑफ इंडिया, वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये सारी किताबें इनकी। आरसी दत्त ने भी ऐसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखी है। When, where the right of the tenants on the land of Bengal and Bihar recognized by Bengal Tenancy Act, ये 1885 में, मतलब जो tenants है ना उसके right को recognize किया गया, right को recognize किया गया 1885 में। बिहार सेपरेट प्रोविंस, ये तो देखो ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। Which of the following was not a reason for making a sepoy of the East India Company rebellion? इनमें से कौन सा रीजन नहीं था कि सेपॉय जो म्यूटनी हुआ उसको रिवेलियन बना सके? तो पहला है the effort of the officer of the company to spread Christianity, मतलब वहाँ के जो ऑफिसर थे ना और क्रिश्चन वाला जो धर्म था वो फैला रहे थे, क्या लोग इससे विद्रोह करने लगेंगे? सेकेंड ऑप्शन The order to the sepoy to travel safe, कि कहीं जाइए, यहाँ भेज देते, वहाँ भेज देते हैं, भट्टा बंद करवा देते हैं। The if inefficiency officer, तो कौन सा इसमें है जो रीजन नहीं होगा सेपॉय को रिवेलियन होने से? तो ए ऑप्शन तो होगा, क्योंकि वो क्या चाहते थे, हम लोग थोड़ी चाहेंगे भाई हमारा धर्म थोड़ा कम जाए, वो लोग अपना धर्म फैलाते थे। तो ए भी करेक्ट है, ये बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट, डी इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो कि यही आंसर है, चौथा आंसर है। अबाउट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड डैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, इनके एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला था ये बनाना है। ये देखो इसमें कई लोग अलग अलग देते हैं, चांदनी चौक टू पालम, और ठीक है ना, बट आप इसमें ये क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कुछ किताब में कुछ और अलग, थोड़ा सा अलग लिखा है, बट जो है वो है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम? निजाम ब्रिटिश के खिलाफ कभी रिवेल ही नहीं किया, ठीक है ना, निजाम कभी ब्रिटिश के खिलाफ रिवेल ही नहीं किया, याद रखें। इंडिगो रिवेलियन कब स्टार्ट हुआ? द इंडिगो रिवेलियन वॉज अबाउट द पीजेंट नॉट वॉन्टिंग टू ग्रो इंडिगो बट बींग फोर्स टू, मतलब वो ग्रो नहीं करना चाहते लेकिन उनको ज़बरदस्ती ग्रो करवाया जाता था। अगला ऑप्शन है, कौन सा इसमें करेक्ट है? द पीजेंट वॉन्टिंग टू ग्रो इंडिगो बट बींग फोर्स नॉट टू, द पीजेंट नॉट वॉन्टिंग टू ग्रो इंडिगो बट बींग फोर्स टू ग्रो एट अ प्राइस डेट वॉज अनएक्सेप्टेबल, ये करेक्ट है। अब देखो ए और सी बोलते हो दोनों आपको करेक्ट लगता है, बट सी ज़्यादा करेक्ट लगता है ना, तो सी आंसर है। डेक्कन राइट जो है ना, डेक्कन राइट, द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट का इमीडिएट कॉज क्या है? जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगे थे महाजन, उसके बारे में, ठीक है, तो डेक्कन वाला हो गया। ये रजनी पालमे दत्त, दो लोग थे अलग, दे बोथ फॉट एंड कोलेबरेट विथ इम्पेरिज्म, किसके बारे में बोल रहे थे कि ये दोनों लड़ाई भी करते हैं, मतलब इंग्लैंड के साथ बोल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ये ग्रुप लड़ाई भी करते हैं और साथ भी रहते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट, ठीक है ना। रजनी पालमे दत्त दो लोग हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने पता कर ही लिया। इसमें से कौन एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है? द हिंदू नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है, ये हम सबको पता है, उसके अलावे बंगाली, ठीक है ना, और उसके अलावे जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, ये एक्चुअली नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है, द हिंदू नेशनलिस्ट है। देखो जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये फाउंडर थे हिंदू ग्रुप के।
ठीक है ना। और ये अभी है, अभी वैसे है, इसका हेड क्वार्टर है चेन्नई में, याद रखिए, बंगाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मराठा, तो मराठा और केसरी, केसरी और महाराठा, ये बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट किसने किया था? 1838 में जयदीप बोस ने, जयदीप बोस ने। अब देखो ये आपको कन्फ्यूजन जल्दी दूर हो जाएगा इसे, यहाँ पे देखो। अब प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, यंग इंडिया जहाँ पे देखते हो आप महात्मा गांधी देखो, तो सेकंड नंबर पे महात्मा गांधी कहाँ है? मोहनदास करमचंद गांधी यहीं पे है, ठीक है। सेकंड नंबर हमने देख लिया मोहनदास करमचंद गांधी। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है। लोक हितवादी हम किसको बोलते थे? गोपाल हरि देशमुख, ये तो हम सबको पता है, तो एक ही ऑप्शन ही बचता है ना, तो आप याद ही कर लेते हैं। प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी किनको बोलते थे? गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज किसने किया था? ज्योतिबा फुले। और रहनुमाई मजदायन सभा, नौरोजी फुरदौन जी, ठीक है। तो ये सब ध्यान से रख सकते हो, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी जी। ये अगला क्वेश्चन क्या है? अब कुछ न्यूज़पेपर के बारे में है। अब देखो न्यूज़पेपर है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो पांचवा ऑप्शन क्या, चौथा तक ऑप्शन देखते हैं ना। हाँ सबसे पहले द हिंदू, अभी तो देखे जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये उसी समय का फाउंडर है, ये अभी जी सुब्रमण्यम अय्यर, अभी का फाउंडर नहीं, जी सुब्रमण्यम। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। सेकेंड केसरी, ये तो हमको पता है, बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब हिंदुस्तानी देखते हैं, तो इसमें कौन सा करेक्ट है? बाल सुरेंद्र नाथ, गंगा प्रसाद वर्मा, याद रखें हिंदुस्तानी कौन है? गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारा कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये दो अलग से याद भी हो गया क्या, हिंदुस्तानी याद रख सकते हो, हिंदुस्तानी गोपाल, गंगा प्रसाद वर्मा, गंगा प्रसाद वर्मा, और उसके अलावा सुधारा क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक कब बोला जाने लगा? देखो जब ये प्रिजन से बाहर निकले तब इनको बोला जाने लगा, और ये किस केस में गए थे? रैंड मर्डर केस में गए थे, मतलब ये मर्डर नहीं किया था, सेडिशन चार्ज इन पे लगा था। तो तीन करेक्ट आंसर है। भगत सिंह को जब फांसी हुआ, भगत सिंह सॉरी, व्हेन ही थ्रो अ बम इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इनका एज कितना था? देखो ये एक्चुअली 1907 के आसपास इनका बर्थडे हुआ था, 1907 के आसपास बर्थडे हुआ, और ये जो कांड किए ये किए थे 1931 के आसपास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा थे, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थे, याद रखिएगा। एक एक्यूरेट इसका आप लोग बर्थ बता सकते हो, बर्थ ईयर एक्यूरेट आप बताना, कमेंट सेक्शन में करना, देखते हैं क्या क्या बताते हो आप लोग, गूगल करके बताना ना, ठीक है। लेकिन 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे, ये मुझे याद है कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी लगाया गया, ठीक है। मार्टियर्स डे या शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाया जाता है उस दिन इवन, लेकिन ये असेंबली बॉम्ब केस में भी फंसे थे, और इन्होंने बनाया था ये और इनको और भी लोग मिलके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था, इवन नौजवान भारत सभा भी बनाया था। जालियांवाला बाग मसेकर जो हुआ था वो रॉलट सत्याग्रह से रिलेटेड था, वेन ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हुई टेरिटरी डिड नॉट रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कौन से टेरिटरी ब्रिटिश के खिलाफ नहीं रिवेल कर रही थी? डिड नॉट रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है ये रहने देते हैं, क्योंकि इसमें आंसर दिया हुआ है बिहार, बट ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये रहने देते हैं। सो ऑलवेज विद असेंट एंड ऑफ्टन टू द डिक्टेटर्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरीड दैट दिस इज द व्हाइट मैन बर्डन, मतलब गवर्नमेंट बार बार बोल रही है ब्रिटिश इंडिया कंपनी कि यार हम तो आप पे
क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं कि आप तो वाइट मैन बॉर्डन हो, ठीक है, बट ये कर नहीं रहे, ये कर रहे अपना प्रॉफिट। ये बात सच्चिदानंद सिन्हा ने बोला था। सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट सत्याग्रही, सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, चंपारण। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और पीपल टू अवॉइड अल्कोहल, दिस रिजल्ट इन ए सीरियस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस सर्कुलेटेड ए लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल हु ड्रैंक अल्कोहल एज ए डिवाइस। देखो लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गांधी जी ने बोला कि भाई ड्रिंकिंग जो है गलत है, वहाँ के लोगों को, वहाँ की वुमेन को उन्होंने अवेयर करवाया, बट अंग्रेज़ उल्टा ने खेल किया कि वो उन वैसे आदमी को चुना जो खूब ड्रंक करता है और उसको परसुएड किया कि फिर से पियो, फ्री देने से या और भी कुछ 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 बोल के। तो ये बिहार का ही स्टोरी है, बिहार का, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह बिहार में, तो हमने और चौकीदारी टैक्स के बारे में है, ये भी ऑलरेडी। अब हम डिस्कस करेंगे 63rd बीपीएससी, तीन सेट और बचा हुआ है, 63rd, 60-62 और 56-59। 63rd डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दो तीन फैक्ट तो याद रखना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है यानी ब्रॉन्ज एज वाला है, दयाराम साहनी पहला किया था खोज हड़प्पा का, आरडी बनर्जी मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो से तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, जीक्यू यानी ग्रेट ग्रैंडरीज, डांसिंग गर्ल, ग्रेट वॉथ बात, मोहनजोदड़ो से याद रखना लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राखीगढ़ी इंडिया साइड में सबसे लार्जेस्ट है। कॉमन फीचर क्या है, एक तो टाउन प्लानिंग गजब का है, बर्ड ब्रिक यानी पकी हुई ईंट का यूज किया जाता है, उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, और एक धोलावीरा में बहुत अच्छा सिस्टम था ड्रेनेज सिस्टम ही, और जो साइटेडल है ना ऊपर वाला टाउन उसका फोर्टिफाइड है, छानूदारों को छोड़ के, छानूदारों में नहीं है ऐसा। तो आंसर वन इज करेक्ट। मेगास्थनीज एम्बेसडर, देखो एक्चुअली जो सेलुकस था ना, सेलुकस खुद था एलेक्जेंडर का एम्बेसडर, और सेलुकस ने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, हार गया, तो एक तो अपनी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवानी पड़ी, और दूसरा अपना एम्बेसडर इनके दरबार में भेजा, ये तो समझना मेगास्थनीज था, और मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो सेलुकस याद रखना, मतलब एलेक्जेंडर के ये एम्बेसडर सेलुकस के एम्बेसडर है मेगास्थनीज। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस बारे में बात करता है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बात करता है, नहीं, स्टेट क्राफ्ट की बात करता है। स्टेट क्राफ्ट में सब कुछ आ जाएगा कि कैसे सरकार को काम करना चाहिए, कैसे अगर कोई ये गुनाह किया तो भी उसको माफ़ कर देना चाहिए, ऐसे ऐसे बातें 15 टोटल चैप्टर में है, 15 बुक आप बोल सकते हो, और ये किस भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो स्टेट क्राफ्ट पे है कि प्रिंसिपल और प्रैक्टिस क्या होना चाहिए स्टेट क्राफ्ट का। त्रिपिटक, तीन पिटक कौन कौन है, शुद्ध विनय और अविदम, शुद्ध विनय और अविदम ये बुद्धिस्ट का है। अशोका धम्मा का जो सेंट्रल पॉइंट है, अशोक धम्म का जो सेंट्रल पॉइंट है, वो सेंट्रल पॉइंट क्या है, आप आराम से पढ़ो। लॉयल्टी द किंग, ये सिंपल बात है रहेगा, मतलब ये अलग अलग धर्मों में जो सारी अच्छी बातें थी ना उसको ले लो। पीस एंड नॉन वायलेंस सही बात है, रिस्पेक्ट टू द एल्डर सही बात है, और रिलीजियस टू द टॉलरेंस सही है, तो यानी मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट है। द डिवीजन ऑफ मौर्य सोसाइटी इनटू 7 क्लास, मौर्य सोसाइटी 7 क्लास में डिवीजन था, ध्यान देना मौर्य सोसाइटी 7 क्लास में डिवीजन था, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंडिका जो है ना मेगास्थनीज की किताब उसमें लिखा हुआ है कि 7 क्लास में डिवाइडेड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाहियान जो आया था ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त टू के दरबार में आया था। चोला एज किस लिए फेमस है, विलेज असेंबली के लिए फेमस है ना, विलेज असेंबली के लिए, मैंने आप लोगों को बताया भी था किस लिए कि ये विलेज असेंबली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तंजोर में इसका कैपिटल है, और एक और है गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये आपको पता है ना,
जो फार्म जो फाउंडर थे चोला डायनेस्टी, उसका नाम है विजालय, याद रखना विजालय, क्या नाम रखना विजालय, विजालय विजालय से याद रखना। इसने टाइटल लिया था नरकेसरी, नरकेसरी, ठीक है। राजा राजा वन और राजेंद्र वन फेमस है। राजा राजा वन ने क्या बनाया था, एक टेंपल बनाया था राजा राजेश्वर टेंपल। ये आपसे ये भी पूछा जाता है, राजा राजेश्वर जो टेंपल है ना किसने बनाया, राजा राजा वन ने, ठीक है ना। और राजा राजेश्वर टेंपल किस भगवान से रिलेटेड है, शिव भगवान से रिलेटेड है। और ये कहाँ पे, तंजौर में है, तंजौर में। राजेंद्र वन की बात करते हैं तो गंगाईकोंडा चोलापुरम से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। आगे क्या है, द माइटी गेटवे जो टेंपल के आगे मिलता है उसको गोपुरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोपुरम। विजयनगर एम्पायर का जो रेमेंस मिलता है वो हम्पी से मिलता है, जो लास्ट लड़ाई किया था वो कहाँ से, तालीकोटा में लड़ाई किया था, याद रखना तालीकोटा में। और 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किनशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। ये बोलते थे कि यार हमको भी डिवाइन राइट मिले, भगवान ने ही हमको भेजा था, ये बलबन ने बोला था, बलबन, ठीक है ना। पेपर केम, पेपर किस सेंचुरी में इंडिया में आया, ये बात मतलब इंडिया में नहीं पूरी दुनिया की बात करें, उसमें सबसे पहले कब आया था, 11th सेंचुरी में आया था, कब आया था, 11th सेंचुरी में, हम सबको होता है चाइना में। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपियन पेंटिंग वेर इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ अकबर। यूरोपियन पेंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ कोर्ट में, किसके दरबार में सबसे पहली बार, अकबर के। इन्होंने क्या किया था, कारखाना भी तो बनाया था। और आपसे पूछा था पेंटिंग अपने क्लाइमेक्स पे कब पहुंचा, जहांगीर के समय। मैं आपको बता चुका हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो अकबर राजा था। हुच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली एस्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड बाई, हुच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली एस्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड बाई ब्रिटिश, किस प्रिंसली एस्टेट को ब्रिटिश ने अपने अंदर नहीं मिलाया था, यह ग्वालियर, ठीक है ना। आंसर क्या है, ग्वालियर, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो आपको पता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस किस को अंदर किया था, सतारा को, जैतपुर और संभालपुर को, बागपत को, सिंध को, उदयपुर को, झांसी को और नागपुर को। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। लॉर्ड डलहौजी ने एक और चीज़ किया था, टाइटल्स हटा दिए थे, पेंशन हटा दिया था, विडो रिमैरिज एक्ट हटा दिया था, उसके बाद एनेक्सेशन बेरार का किया था, अवध का किया था, ये सब हुआ था। वुड्स जो डिस्पैच एक्ट आया था ना वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। रेलवे लाइन भी पहली बार बिछा, टेलीग्राफ सर्विस भी पहला, पोस्टल सिस्टम भी, सब कुछ डलहौजी के समय में आया था। गांधी जी का अल्टीमेट गोल क्या था सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, कि यार सॉल्ट लॉ को कम से कम रिपील कर देते हैं। मोफला रिवेलियन जो है वो कब ब्रोकआउट हुआ, केरला में ब्रोकआउट हुआ, याद रखना केरला में। स्वदेशी मूवमेंट हुआ एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स हैं, बिहार प्रोविंशियल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 109, अगला क्वेश्चन है बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये किसके द्वारा इस्टाब्लिश किया गया है। ये इसमें कई सारे लोग हैं, पहले मैं आपको बता दूँ, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, तो तीनों हैं, 1, 2 और 4। डब्ल्यू सी बनर्जी किससे रिलेटेड है, भाई फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इम्पीरियल कमीशन कॉर्प्स, इम्पीरियल कमीशन कॉर्प्स किसने बनाया था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड, उसके बाद कौन है, लॉर्ड लिटन। इम्पीरियल बनाया था लॉर्ड कर्जन ने, क्या किसने बनाया था, लॉर्ड कर्जन ने, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिक्लेरेशन 16 अक्टूबर को हुआ था फाइनल। जो कर्जन वाइली को, कर्जन वाइली को किसने मारा, ये हम लोगों को याद है, कौन सा है, ये पिछला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। देखो ये तो अर्थ है, डिक्लेरेशन मैंने बता दिया, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट हुआ था 16 अक्टूबर को, बट डिक्लेरेशन कब हुआ था, 19 जुलाई को, 19 जुलाई को डिक्लेयर किया कि हम आप करने वाले हैं, बट 16 अक्टूबर को हो गया फाइनल। कर्जन वाइली को मदन लाल ढींगरा ने मारा, जो माइकल और डायर को उधम सिंह ने मारा, ये याद रखिएगा।
द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर का जो पोस्ट है वो किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद आया, 1919 के एक्ट के बाद, ठीक है। उसके बाद इसी एक्ट में एक प्रोविज़न था कि आज से 10 साल बाद एक स्टैचुटरी कमीशन आई थी जो कि साइमन कमीशन आई थी, तो साइमन कमीशन ने अपने कई सारे रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्ट टेक पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द राउंड टर्न क्वेश्चन, फर्स्ट और थर्ड, यानी पाँचवा आंसर होगा मोर देन एन एवर। महात्मा गांधी ने एक बार ही कांग्रेस सेशन के में प्रेसाइड किया था, वो था बेलगांव, बेलगांव में 1924 में, ठीक है ना, बेलगांव याद रखना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन के तो मैंने अभी अभी किया है, एक पैम्पलेट, किसने इस पैम्पलेट को लिखा, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, इस पैम्पलेट को किसने, देखो ये मुस्लिम लीग की बात करते थे कि यार इनको पाकिस्तान बनाना था, पाकिस्तान डिक्लेरेशन की बात करते थे, और रहमत अली ने लिखा था, रहमत अली, कि आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ठीक है ना। चलो और एक और चीज़, जो वर्ड है ना पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान है, पी ए के एस टी ए एन, जो वर्ड है ना सबसे पहले और इसका पैम्पलेट सर्कुलेट किया गया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जब भी पाकिस्तान बोलते हैं इसका मतलब पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और उसके बाद बलूचिस्तान की बात करते हैं। रहमत अली ने को ही एक क्रेडिट दिया जाता है उस टर्म को देने के लिए। सती को इलीगल किसने किया, विलियम वेंटिक ने, ये ऑलरेडी है। पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट को किसने पास किया, पंजाब लैंड कब पास हुआ ये बताना है, 1900 ईस्वी में। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट किसके अंदर था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट किसके अंदर था, सरदार पटेल के अंदर था, ठीक है सरदार, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बहुत कुछ इनको बोला जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे 60 से 62 तक, दो पेपर और डिस्कस करना है। बिरसा वाज, देखो 62 का है, इनको कैप्चर कर लिया गया था जब जो सोए हुए थे, ये दिन था 3 मार्च का, कौन सा दिन था, 3 मार्च 1900 का थे, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, और इनको कई सारा नाम दिया जाता था, उल गुलान इनको बोला जाता था, इनको बिरसा भगवान बोला जाता है, ये सब नाम इनसे रिलेटेड है। और इनका एक जनजातीय दिवस इन्हीं से मनाया जाता है, ठीक है ना, जनजातीय दिवस इन्हीं के बारे में मनाया जाता है। और ये मुंडा जो बेल्ट है ना वहाँ पे रहते थे और मुंडा रिवोल्ट किए थे, बिरसा मुंडा नाम है इनका। द मुस्लिम इज इफ कॉन्टेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इंडिया, हु रोट इट, यहाँ पे क्या बता रहा है, सिंपल बता रहा है, द मुस्लिम इफ कॉन्टेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क फॉर ब्रिटिश। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम को हमें सेटिस्फाई करना ही नहीं था, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गए तो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा है ना, ब्रिटिशर्स फिर दोनों से कैसे लड़ सकते हैं। ये किसने लिखा था, W.W. हंटर ने लिखा था, सर विलियम विल्सन हंटर ने, ठीक है ना, ये एक्चुअली इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ये बात ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट रिस्की ये भी वो थे, लॉर्ड लिटन तो आप सबको पता है, बहुत चीज किया था इसने, ब्रेनफोल्ड भी ऐसे ही, तो ज़्यादा नाम हम लोग को याद नहीं रखना है इसमें। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल, मतलब कांग्रेस अब गिर रहा है, ये बात किसने बोल दी थी, ये डफरिन ने बोली थी या कर्जन ने बोली थी, ये आपको बताना है। डफरिन क्या बोले, इस बोल सकता है कि भाई डफरिन कैसे बोल सकता है, उसके समय में तो कांग्रेस बना ही था, उसको कैसे पता अब कांग्रेस टूटेगा, ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन वही था जिसने बंगाल को पार्टीशन करवाया था, ठीक है ना, पार्टीशन करवाया था। लॉर्ड लिटन से रिलेटेड याद रखना, लॉर्ड लिटन सबसे पहले क्या किया था, क्वीन विक्टोरिया को एक टाइटल दिया था, रॉयल टाइटल, जो कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया था, ये दिल्ली दरबार कराया था, याद ना आपकी, ये बन गई थी केसरे हिंद,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय आया, सिविल सर्विस सर्वेंट का एज इसी ने डिक्रीज किया, उसका लॉर्ड डफरिन तो हमको पता है, थर्ड वर्मा के साथ वॉर किया, और उसके बाद इसी के समय में क्या बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, मिंटो 1905 से 1910 के बीच, सूरत स्प्लिट, और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को मैंडले जेल भेजना, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग बनाना, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, बहुत कुछ इसी के समय हुआ था। मदनलाल धिंगरा का एसेसिनेशन, जैक्सन का एसेसिनेशन, नासिक और अहमदाबाद, मतलब बहुत कुछ हुआ इनके समय में। अगला क्वेश्चन क्या है, हु ड्रीव महात्मा गांधी अटेंशन, ये तो हो गया। हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936? ऑल इंडिया 1936 ये कहाँ पे हुआ, सबसे पहले समझे लखनऊ में। तो प्रेसिडेंट कौन बने थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। इनको ये एक्चुअली यूपी से ही बिलोंग करते थे, लेकिन इंडिया के किसान मूवमेंट में बहुत अहम रोल था, और एनजी रंगा भी इसके मेंबर थे, ये बात याद रखिए। एनजी रंगा के बारे में थोड़ा और ध्यान रखिएगा, एनजी रंगा एक पार्टी थी, स्वतंत्रता पार्टी, एनजी रंगा एक और पार्टी थी, स्वतंत्रता पार्टी के भी मेंबर थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला ये जो है ना EMS, ये केरला के पहले CM है, केरला के पहले CM। माइकल ओडायरे हमने देखा थे। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, देखो जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था 1919 में, तो आपको बताना है कि उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, जॉर्ज था, क्या था, जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज। पटना कॉलेज किन्होंने छोड़ा, देखो 20 दिन पहले छोड़ा जब इनका एग्जाम था, ये जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, और अपना जॉब छोड़ा ये है लाला लाजपत राय जी के बारे में, ठीक है ना। हु बिकेम द चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वॉन्टेड टू विड्रॉ द ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट, लैंड लॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म, ये सब सारी बातें कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू के बाद में इन्होंने ये सब कुछ जो भी प्रॉब्लम वाला चीज़ था वो सबको जानना चाहते थे। चाचा रानू इनका नाम है, ये मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, ये बात याद रखना। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में तो हम लोग को सबको पता है, पहले प्रेसिडेंट है, उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर याद रखना ना, सर्च लाइट लिखे हुआ है इंग्लिश में, उसके अलावा और कई चीज़ें लिखे हुए हैं एक। और भूला भाई देसाई के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये वो लीडर है जब तीन लोगों को फांसी दिया जाने वाला था तो उसको एडवोकेट कर रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी वाले केस को, तो और देसाई लियाकत पैक्ट भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और सरदार पटेल के बारे में हम सबको पता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें, आयरन मैन। चलो ये एक्चुअली बिहार स्पेशल वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया। हु ज्वाइंट सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद INA मूवमेंट, ये सील भद्र ARG के बारे में, ये बिहार से बिलोंग करते थे। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन मैडम बिकाजी रुस्तम कामा। हुई जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, कौन सा जर्नल इसमें जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं था, भाई जो महात्मा गांधी का जर्नल होगा, बताइए महात्मा गांधी का जो जर्नल होगा वो क्या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से एसोसिएटेड होगा, तो नहीं। तो चाहे संध्या हो, जुगांतर हो, गदर, ये सब था, बट यंग इंडिया नहीं था, क्योंकि यंग इंडिया किसका था, महात्मा गांधी का था, ठीक है, यंग इंडिया किसका था, महात्मा गांधी का। अब कुछ आप याद रख लो, कुछ है जैसे एक मैं बताता हूँ, बंगाल गजट जेम्स अगस्तस हॉकी, संवाद कौमुदी ये भी, ये सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, राजा राम मोहन राय, मिराट उल अखबार, ये भी अकबर, ये भी रिलेटेड है उससे, रिलेटेड रिवोल्यूशनरी से। हिंदू पैट्रियट ये मधुसूदन राय लिखा है, क्या है, हिंदू पैट्रियट मधुसूदन राय। राष्ट्र गुप्तार दादा भाई नौरोजी, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है। गदर तो आपको पता ही है कहाँ बना था। फर्स्ट इंडियन जिनको इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में,
दादा भेनोरे जी, आपको बताना है किस पार्टी से बिलोंग करते थे? लिबरल पार्टी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। अगला, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेल्यूर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि 1923 में बना था। चिटागोर आमरी रेड सुरेशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में, यानी एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए लीडर जो लिक्विडेटिव प्रायोरिटी छोड़ दिया था, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीसेसर कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रीसेसर है वो कौन है, वो बताना है आपको। ये प्रीसेसर है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना। दो लोग मिलकर बनाए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफार खान। जो प्लाउ मिला है, देखो एक तो होता है जूते हुए खेत कहाँ से मिला है बताइए। जूते हुए खेत उसे वहाँ से मिला है, धोलावीरा से, बट प्लाउ मिला है बनावली से, याद रखिए बनावली। कालीबंगन से तो ब्लैक बैंगल्स वगैरह मिलते हैं, ये हम ध्यान रख सकते हो। कलिंग के किंग जो खारवेल था, कलिंग किंग खारवेल, वो किससे एसोसिएटेड था, किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड था, वो आपको बताना है। जो खारवेल था ना वो कलिंग का था और ये चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, मतलब चेदी डायनेस्टी, या उसको हम मेघवर्मन डायनेस्टी भी बोलते थे, ठीक है, इतना याद रख सकते हो, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चाइनीज ट्रैवलर शुंगयुंग कब आए थे इंडिया में? ये 515 से 520 AD के बीच, ए ऑप्शन करेक्ट है। अपरहत किस लैंड को बोला जाता है? कौन से लैंड को अपरहत लैंड बोला जाता है? देखो ऐसे लैंड जो जिस पे कल्टीवेशन नहीं होता, विदाउट कल्टीवेटेड जो फॉरेस्ट लैंड होता है उसको अपरहत बोलते हैं। उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर ये कहाँ पर इस्टाब्लिश किया गया था? ये किया गया था बिहार में, ठीक है, तो बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवाने जो अर्ज है ये किससे एसोसिएटेड है? ये हमने बताया था, ये डिफेंस से एसोसिएटेड था। किससे एसोसिएटेड है? डिफेंस से, दीवाने अर्ज। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमानी किंगडम? बहमानी किंगडम के फाउंडर कौन है? अलाउद्दीन हसन गंगू, ऐसे बोलते ना, अलाउद्दीन हसन गंगू। व्हिच अमंग द फॉलोइंग किंग रेन्स, किस किंग के समय में अब्दुल रजाक इंडिया आए थे? अब्दुल रजाक इंडिया में किसके आए थे? देव राय टू के समय में आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जसवंत और दशावन ये फेमस पेंटर है, ये किसके समय में थे? अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर। देखो सब वन टाइम है इस सबको, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1936, वही वाला आप लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती। संथाल रिवोल्ट 1855-56 में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग ईयर्स, देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये निकाला था, आपको बताना किस साल निकाला था? 1874 में, याद रखना। हुई चमंग द फॉलोइंग वायसे राय पीरियड, जो राय बहादुर था ना और जो खान बहादुर, ये राय बहादुर और खान बहादुर जो टाइटल था वो इंडियन को दिया जाने लगा, राय बहादुर और खान बहादुर जो टाइटल इंडिया को दिया जाने लगा, ये किसके समय में बात करें? लॉर्ड लिटन के समय में। ये बिहार है, ये अभी मैंने आप लोगों को कराया भी था, ये एक्चुअली नन्हे देव है, कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर, ये भी मैंने कराया था अभी। फर्स्ट मुस्लिम कंकरर ऑफ बिहार, ये बख्तियार खिलजी। लास्ट किंग जो कर्नाट डायनेस्टी के लास्ट किंग थे हरिसिम्हा। राजनीतिक रत्नाकर एक किताब है, ये किनके द्वारा लिखा गया? चंदेश्वर के द्वारा लिखा है। उद्वंत प्रकाश जो है उसके ऑथर का क्या नाम है? मौलिक कवि, ठीक है ना, मौलिक कवि एक है।
नालंदा बिहार को डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। अब ये लास्ट पेपर है 56 to 59th का। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सर्वेशन ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो। ये कौन एसोसिएटेड नहीं थे? वी ए स्मिथ, ये आयरलैंड के रेनाउंड हिस्टोरियन है, ये एसोसिएटेड नहीं थे। हरप्पा का याद रखना दयाराम साहनी, मोहनजोदारो का रखलदास बनर्जी, उसके अलावा देखो एम एस वर्थ्स ये भी एसोसिएटेड थे, बट ये वी ए स्मिथ बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं थे। गौतम बुद्धा ने पहला सरमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया किसको बोला था? नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त याद रखना, समुद्रगुप्त के ही बेटे थे चंद्रगुप्त टू। और समुद्रगुप्त के समय में ही एक रहते थे, कौन से इनके कवि थे? हरिसेन। ठीक है, अगला है, कौन से चाइनीज ट्रैवलर हर्षवर्धन के समय में आया था? हुएनसांग। ढाई दिन का झोपड़ा पता है किनका, किसके द्वारा बनाया गया था? है तो एक मॉस्क, ये मॉस्क बनाया गया था कुतुबद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और एक्चुअली ये मोहम्मद गोरी के ऑर्डर पे बनाया गया था, और ये ढाई दिन में बना था ये याद रखिए, इसलिए ढाई दिन का झोपड़ा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन हुइच लैंग्वेज तुजुके बाबरी, जो तुजुके बाबरी लिखा गया था ना, बाबर ने खुद लिखा था, ये शुरुआत में टर्किश लैंग्वेज था। ठीक है ना, टर्किश लैंग्वेज में याद रखिएगा। फिर बाबरनामा भी एक है, मतलब इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में बाबरनामा, ये मिर्जा अब्दुल रहीम ने किया था। राणा प्रताप के कमांडर का क्या नाम है? हु वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप, जिन्होंने बैटल ऑफ हंदीघाट में लड़ाई की थी? हकीम खान। ठीक है ना, हकीम खान याद रखें। और उधर से अकबर की तरफ से कौन था? मान सिंह था। शिवाजी महाराज के कैपिटल का नाम था रायगढ़, ये आराम से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1817 में गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, वही फिर वायसराय बने थे। हिमालयन ब्लंडर, मतलब गांधी जी किस मूवमेंट को हिमालयन ब्लंडर बोले थे? ये था चौरी चौरा इंसिडेंट को। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट को। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो कितने बार पूछा है, फर्स्ट वुमेन ये भी नहीं बताएंगे। मैडम बिकाजी कामा स्टुगार्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर, ये याद रखना, ये फाउंडर है कुमार गुप्त। ऑथर ऑफ इंडिया मेगास्थनीज, ठीक है ना, मेगास्थनीज थे। अगला क्वेश्चन क्या है, 100-01 का क्वेश्चन है, पागल पंथ के बारे में। पागल पंथ का फाउंडेशन के स्टोन किसने रहा था? करम शाह ने रखा था, करम शाह। फैरेजी ये ध्यान रख लेना, वो है फॉलोअर ऑफ हाजी सरयतुल्ला। द करेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ रामोसी अपराइजिंग, रामोसी जो अपराइजिंग हुआ था ना, वो किसके द्वारा हुआ था और किसके समय में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? ये ईस्टर्न इंडिया में हुआ था, ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है ना, क्योंकि जो लोअर ऑर्डर के मराठा आर्मी थे ना, वो रिवोल्ट कर दिया था, ये बात याद रखिए। और किसके अध्यक्षता में? चित्तूर सिंह के अध्यक्षता में, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, ईस्टर्न इंडिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। वाघेरा अपराइजिंग, वाघेरा अपराइजिंग कब हुआ था, कहाँ? बड़ौदा में हुआ था, बड़ौदा में, जो गायकवाड लोग थे वो किया था, बड़ौदा, डी करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th century बिगेन ओवर द, क्या क्यों अलग क्यों हो रहे थे, क्या दोनों में इशू आ रहा था, ये बात पूछा हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअली जो दोनों का स्ट्रेटजी था ये भी अलग था, ऑब्जेक्टिव ये अलग था, और पार्टिसिपेशन जो, देखो ये जो था ना मॉड एक्सट्रीमिस्ट, वो चाहते थे मास का पार्टिसिपेशन, बट वो नहीं चाहते थे, न्यू लैम्प मॉडर्न्स नहीं चाहते थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड की बात करते हैं। ये सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखा गया था किन के द्वारा? अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था। नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाई ए कमिटी हेडेड बाई मोतीलाल नेहरू, और सब्जेक्ट क्या था बताइए, सब्जेक्ट क्या था, किस बारे में लिखा जा रहा था, कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ इंडिया, तीन ऑप्शन है। व्हाट वाज द कॉमन रिलेशंस बिटवीन कैथरीन मायो,
एडलस हक्सी, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्वे, ये चारों में क्या एक सिमिलैरिटी है ये आप लोगों को बताना है। चारों में क्या सिमिलैरिटी है, ये दोनों कमेंट्रीज करते थे कि इंडिया का क्या सिचुएशन है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सरफरोशी की तमन्ना है तो देख लो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है, हु रेज द डिमांड ऑफ कम्प्लीट इंडिपेंडेंस फॉर, देखो 1921 में पहली बार कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की बात किसने की थी ये आपको बताना है। ये बात की थी मौलाना हसरत मोहानी ने, मौलाना हसरत मोहानी ने। उसके अलावा कुछ तीन चार क्वेश्चन और है, आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना था 1925 और ये भी आरएसएस भी बना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केशव बलिराम हेडगेयर ने बनाया था, केशव बलिराम हेडगेयर, के बी हेडगेयर, यही बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्मड ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा बनाया गया था 1936 में, बनाया गया था ना, कब बनाया गया था 1930s में। डैश इज द राइट ऑफ टेनर्स ऑन द बंगाल, ये 1885 में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। वन ऑफ द पॉपुलर बिलीफ, पॉपुलर बिलीफ क्या था ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डैट विक्ट्री वुड कम टू देम बिकॉज गांधी, विक्ट्री उन्हें आएगी ही आएगी, जीत उनको मिलना ही मिलना है क्योंकि उनके साइड में कौन है, गांधी जी। गांधी जी को लोग पता है एपिटम ऑफ धर्मा बोलते थे, धर्मा मानते थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ प्रेजेंट लीडर इन बिहार, देखो स्वामी विवेकानंद तो नहीं थे, स्वामी सहजानंद थे, तो यानी ओनली टू, आंसर चार करेक्ट होगा। तो हमारा सारा कवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आपको कोई डाउट होता है तो कॉमेंट जरूर कीजिए। थोड़ा लेट हो गया, मैं 9 PM के बाद भी बोला था और अभी ही हो गया 10:40, ठीक है, तो ये आते आते तो 11:30 तो हो जाएगा। तो मैं इसको कल का प्रीमियर करूँगा 9 AM का, वो भी 1st of September, ठीक है। तो मिलते हैं, कोई डाउट हो इस नंबर पे टेक्स्ट ज़रूर कीजिएगा 9582062485। चलिए मिलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।